Hello, good morning everybody. Thank you for coming here this early. आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ. मेरा एक पागल दोस्त है, वैसे मेरे सारे ही दोस्त पागल हैं, लेकिन ये थोड़ा और भी उससे पागल है, बिकॉज वो अजीब अजीब हरकतें करता रहता है और अजीब अजीब चीज़ें ट्राई करता रहता है. सो दिस टाइम ही हैज़ डिसाइडेड दैट ही इज़ गोइंग टू बी अ प्रोड्यूसर. सो नाउ यू नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट, द नाइसेस्ट पर्सन इन द फिल्म इंडस्ट्री, द हैंडसमेस्ट मैन इन द फिल्म इंडस्ट्री, द मोस्ट फिटेस्ट, द स्ट्रांगेस्ट एंड नाउ आइदर द रिचेस्ट पर्सन, वी होप, फिंगर्स क्रॉस्ड. प्लीज वेलकम माई फ्रेंड सोनू सूद. ओए भाई, नेपाल का नाम मत खराब कर. आप प्रोड्यूसर हो गए, छतरी आपको पकड़नी पड़ेगी. ऑल सेट. यू नो, मैं फरा वही बात कर रहा था आपसे. अब बंद कर सकते हैं. आजा आजा. और आज सोनू ने प्रॉमिस किया है वो ऐसी एक चीज यहाँ करेगा जो उसने कभी नहीं की है. आज वो अपनी शर्ट नहीं उतारेगा. प्रोड्यूसर के कपड़े बाद में फटते हैं. यू नो फरा, ये बड़ी खुशी मुझे आप यहाँ पे आए, लेकिन मैं आज आपको एक इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा मेरी हीरोइन के साथ. आपकी हीरोइन? मेरी हीरोइन. कौन है वो, आप सुनना चाहोगे उसे? ऑफ कोर्स. कहाँ है मेरी हीरोइन? अभी आपको बुलाता हूँ. कैन यू कम ऑन द स्टेज? हेलो, आवाज आई आपको? आवाज तो आई. हेलो, ये मेरा बीवी का आवाज है. हाँ, इनकी बीवी का आवाज है. हेलो. नहीं नहीं, वन मिनट, बट एक्सक्यूज मी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? या दैट्स मेरी हीरोइन की आवाज तो सुनाई दे रही है. एक्सक्यूज मी, हु आर यू? यस, मेरा बीवी कोई भी हो सकते है, बट डेफिनेटली नॉट हीरोइन. सर, ये मेरी हीरोइन की आवाज़ है, आपकी बीवी की आवाज़ नहीं. आपको कुछ गलती लगी है? सोनू प्लीज़, मेरे बीवी. अरे यार, बहुत कंफ्यूजन है. ये बोल रहे हैं इनकी हीरोइन की आवाज़ है, ये बोल रहे हैं आपकी बीवी की आवाज़ है. Yes. ये क्या कंफ्यूजन है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ. चलो, आप लोग दोनों ढूंढते हैं आपकी हीरोइन और आपकी बीवी को. Yeah? जब तक हम आप पिक्चर का ट्रेलर देखते हैं, सारी कन्फ्यूजन सॉर्ट आउट हो जाएगी. एंड फॉर द रिकॉर्ड, आई वेरी वेल नो हु प्रभु सर इज. दैट वॉज पार्ट ऑफ द एक्ट. चलेगा सर, माइक चलेगा. हेलो चेक. हाँ, हाउ यू, कैसे हैं आप? गुड. सो इतने सारे एक्टर, इतने सारे लोग हैं, कुछ बोलना चाहते हैं फिल्म के बारे में? बेसिक स्लाइट ट्रांसलेशन प्लीज. सर यहाँ पे लोग हैं, सब लोग जापानीज जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, सब लोग जानते हैं. अच्छा, वो तो मुझे भी मालूम है. सो व्हाट डू थिंक अबाउट दिस मूवी, एंड कैन यू लिटिल बिट हाउ मेनी सेकंड्स? 60 सेकंड्स. It's I think as a trailer, the reflection of trailer is a fun film. First of all, thanks to everyone for coming here. It's a great honor to stand on the stage. I thank Sonu sir mainly for believing in this film, because he's come as an actor in the film initially, and he had a lot of trust on us. He bought the film, thanks to him. This film, I think I have to thank 2-3 people mainly. I just take this opportunity to thank them. First is my guru Priyadarshan sir, who made me to be here. because of him, today I'm here in this industry. Thanks to him, today's film is released. I wish him good luck. And Aishri Ganesh sir, who is initially the produced all three language. And thanks to him, he didn't come today, but I think it's my duty to thank him. The main person behind this film is Prabhu sir. I think because of Prabhu sir, it's all started. And I still remember in 2002, the Angamma shooting was happening here. I used to stay near Juhu. I used to go and stand near Juhu beach, and I'll just say, okay, one day I should also do one Bollywood film. I think today the day has happened today after, wow, 14 years, I think. Yeah, it's a quite long journey, but still I was doing Tamil film that time. But thanks to everyone who made this dream come true. And
especially thank all the producers. And I think the biggest strength for the film is now is Pooja Entertainment. Vasuji's daughter is here, and thanks to them, I think it's all looks like a dream for us. And thanks to the dreams to make happen. I've taken a lot of seconds, so thanks for allowing me. Thank you, Vijay. Bahut bahut shukriya. Thank you. Please sit. And जिसके बारे में बात चल रही थी, जिसको आपने परफॉर्म करते हुए देखा इतने सालों से, क्या बात है सुनो, बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले. और जिस तरह से विजय ने आपकी बहुत तारीफ कर दी है, क्या जादू किया आपने? आई थिंक जादू हमेशा जो डायरेक्टर होते वही करते हैं. Shooting for Jackie Chan's film in China, and when I spoke to Vijay sir on the phone, so everything happened on the phone. Or when he narrated me the whole script, I knew that I'm working with someone who's brilliant with his brilliant as a technician, and I'd seen his earlier work also in Tamil. So we knew that we were in safe hands. And once the whole film started rolling, and the whole journey was like a dream. You know, the whole team, Prabhu sir, Tamanna, and all the technicians who were involved in the film. It was like a dream come true working with everyone, and now we are all set to come in front of everyone. So fingers crossed and just need the wishes. Yaar ye kya likha hua hai pura, main dekhna koshish kar raha tha, please dikhai zara. Success is no accident. Yaar ye baat to bilkul sahi hai, kya baat hai, Sonu ke liye bilkul sahi baat hai ye, kyunki main inko bachpan se keh sakta hu, matlab film industry ke bachpan se keh sakta hu, jab ye industry mein aaya tab se main dekh raha hu, jaan raha hu, pehchan raha hu, nahi inke bachpan se. सर मैं आपने मुझे हरीशचंद्र, राजा हरीशचंद्र फिल्म में नहीं देखा आपने मुझे? नहीं, पर फरा मानना पड़ेगा ये बात, तो बहुत कड़ी मेहनत है. और फरा खान के साथ ही काम कर चुका इंसान है, और क्या चाहिए इसको लाइफ में यार. पर सोनू, ये देखो, ये सक्सेस वाकई है एक्सीडेंट से नहीं मिलती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है. क्योंकि एक्टर जानता हूँ मैं कितनी मेहनत करते हैं, इतनी हीरोइन यहाँ मौजूद हैं. तो आपको क्या लगता है, इतनी बड़ी जर्नी जो रही आपकी यात्रा रही, हाउ वाज इट? बहुत कमाल की थी, बट आई वुड लाइक टू जस्ट टेल दैट इट हैपन ओनली बिकॉज माई पेरेंट्स विश फॉर इट. माई मॉम एंड डैड, यू नो, ऑन माई डैड इज नेम ओनली आई स्टार्टेड शक्ति सागर प्रोडक्शंस. ही एक्चुअली वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन मूवीज, नेवर सॉ एनी मूवीज, बट वेन हिज सन बिकेम एन एक्टर, सो ही स्टार्टेड वॉचिंग मूवीज, एंड देन ही यूज टू वॉच एवरी डे, हर रोज़ फिल्म देखते. मैं बोलता कि पापा ये कौन सी फिल्म देख रहे हो यार, दबंग चल रही है यार, मैया वस्तावई चल रही. मैं बोलता आप 10 बार देख चुके हो, 15 भी छोड़ो दूसरा चैनल. कहते नहीं मैं देखता हूँ, फिर देखते रहते थे. सो आई थिंक द ड्रीम केम ट्रू दैट आई एम स्टैंडिंग हेयर इन फ्रंट ऑफ यू, एंड ऑफकोर्स माई वाइफ सोनाली, शी इज ऑल्सो को प्रोड्यूसर नाउ, एंड ऑल देयर विशेज, दे हैव बीन रियली पेशेंट विद मी. आई नो इट्स अ वेरी टफ लाइन, व्हेन यू आर एन एक्टर यू डोंट गेट मच टाइम टू स्पेंड विद द फैमिली, बट आई थिंक ऑल द सैक्रिफाइसेस मेड दिस हैपन. एंड ऑफकोर्स माई मॉम एंड डैड, फ्रॉम अप देयर, दे डिड सम मैजिक विच मेड मी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू टुडे. So I think because of them only, sir, everything happened. सुनो, एक तो एक्सीडेंट है शादी का, उसके सिवाय कौन सा एक्सीडेंट हुआ जिसके नाम सफल हुए? मुझे लगता है दुआएं होती हैं आपके साथ, जो काम करती हैं, एंड आई ऑलवेज बिलीव इट. जब मैं पहली दफ़ा मुंबई आया था, तभी भी मुझे लोग पूछते थे कि यार तू इंजीनियर है, किसी को जानता नहीं, हाउ विल इट हैपन. सो मुझे पता था कि मैं एक दिन प्रभु सर के साथ काम करूँगा, फराह खान के साथ काम करूँगा. तो ये नाम मुझे मेरी लिस्ट में पहले से थे जब मैं आया था इस शहर में, और आप उनके साथ जुड़ा भी हूँ. So I think कहीं ना कहीं तकदीर जुड़ी होती है. सही बोला था ना फरा, मैंने बिल्कुल सही बोला था. विजय सर कुछ बोलना चाह रहे थे आप? No, I forgot a few more important people. I think Tamanna, Archana, I forget. So I think when the film was started, I think the main person was actually, because film has to start, heroine as the most important person in the film, because it's a very important crucial role. I think it all kick-started because when Tamanna said yes. No, thank you, Tamanna, and I think you have done a brilliant job in the film. I should say this, Prabhu sir performance, sir, I literally enjoyed every minute of yours. So I don't want to. People enjoy the same what I did in the monitor. Thank you, Farah ma'am. I think it's a great honor even to see you and to work with you. Thank Isha, and I should also have a great technicians like Manohar Verma, action director, just is here, and my assistant directors, Bhavya, Shima, yeah, everyone you is here. Miss any name? I think. Paresh, Paresh, yeah. Paresh, of Paresh, course, he did the choreography Paresh of Rail Gaddi, assistant Juhi, with Prabhu sir, yeah. Prabhu sir, my co-producer Dipshika Deshmukh, I think she. Please bulaiye inko stage mein. Pehle I first like to call Dipshika, yeah. Please come. Yeah.
प्लीज 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 आइए. थैंक यू अनुराग फॉर योर काइंड वर्ड्स. नहीं मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि यार इतने कैसे मैनेज कर लेती हैं आप लोग, यहाँ तो एक दो प्रोडक्शन नहीं, तो प्लीज इस बच्चे को थोड़ा सा गौर सिखाइए. वी जस्ट वांट टू ब्रिंग अ वैरायटी ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर आवर व्यूअर्स एंड दैट्स व्हाई वी आर वर्किंग टुवर्ड्स व्हाटएवर बेस्ट प्रोजेक्ट्स वी कैन पुट. नहीं पर एक साल में 10-10 फिल्में हैं. 11वीं फिल्म आपके साथ, आपको पता नहीं इसके पीछे पड़ा हुआ है. तो क्या राय देना चाहेंगे सोनू को अभी? इट्स सच अ गुड प्रोजेक्ट. आई मीन इसमें फ्रॉम प्रभु सर टू सोनू टू तमन्ना, स्वीटेस्ट स्पेशल अपीयरेंस बाय फरा, ईशा, इतना धमाल है. इट्स एंटरटेनमेंट अनलिमिटेड. सो इट्स लाइक एन अमेजिंग फिल्म टू बी पार्ट ऑफ. आई'd आल्सो लाइक टू कॉल सोनाली. प्लीज कम सोनाली. शी इज सोनूज वाइफ एंड शी इज ऑल्सो को प्रोड्यूसिंग विद मी. सो क्या बात. देखिए इतने घर पे तो इतना बोलती है यार, यहाँ भी क्या प्रॉब्लम है? तो पता चलना चाहिए, एटलीस्ट यू शुड रियलाइज कि क्या टेंशन होती है लाइट्स और जब माइक सामने आता है. जोक सारे सोनू ने लिखे हैं. द डायलॉग इन व्हिच ही सेज दैट सबकी बीवी में भूत, आई होप ही डिडंट मीन इट फॉर मी. वैसे डायलॉग मेरे लिखा हुआ था जब मैं, और घर से बहुत इंस्पायर हुआ था मैं. देखो ये सीधे सीधे मतलब क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब क्या है? ये तो आप ही बता सकते हैं, यू नो हिम बेटर आई थिंक. नहीं वो तो घर में जानती हूँ, लेकिन इनके बारे में कुछ बता दो ना यार. देखो तुमको देख के उन्होंने लाइन लिख दी भूत वाली, इनको देख के क्या लिखोगी? 25 साल से मैं भी सह रही हूँ. वी आर नॉट मैरिड फॉर 25 years, बट आई नो हिम. वी आर लाइक चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स, सो आई नो हिम फॉर 25 years एंड आई थिंक ही इज रियली रियली द स्वीटेस्ट गाय आई एवर मेट. बेटा अच्छा प्रोड्यूसर बनेगा ये. अरे बीवी को जो मैनेज कर रहा है, अब क्या चाहिए लाइफ में? एक्टर एक्टर सब घर की बात है ना. थैंक यू सोनाली, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू, बहुत बढ़िया. एक बार जोड़ा तालियां चाहिए. फैंटास्टिक भाई, बीवी हो तो ऐसी हो, वो फिल्म वाली ना हो यार. अपनी भड़ास निकाली सुनो ने एक्चुअली, मुझे लग रहा है. गुड भाई, और कौन कौन है आपके साथ में? यू नो आई वुड लाइक टू कॉल प्रभु सर, प्लीज सर. सर सर प्लीज सर, देखो फरा तो मुझे काम देती नहीं है सर, इसीलिए सर एक बताओ ना सर, कैसे सर मैं इंप्रेस कर सकूँ सर उनको? अरे सर प्लीज सुनो यार, तुम क्या करते हो यार, प्लीज यार सर सर ऐसा कुछ करूँ मैं? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. कैसे बात काटते हैं ना ये डायरेक्टर डांसर भी, मतलब इतने तेज होते हैं. फरा जी समझ गया मैं आपको ही समझता था आज तक, लेकिन बोलते कम है लेकिन करते बहुत ज़्यादा हैं. सर क्या कैरेक्टर है सर इस फिल्म में एग्जैक्टली, क्या रोल है? I don't know. I mean, how to say it? I think director is the best person to tell my character. नहीं वो तो बहुत thank you हो चुका, बहुत अच्छा हो गया वो. Sir आप character के बारे में बताइए. Really, I don't know how to tell my character. Sir, you can dance and tell us. No, no. Sir, character तो आप देखेंगे, but जो sir का dance वाला step है वो पक्का सीख लो आप. सीखने बताई नहीं रहे sir, बताई ना sir, सीखना चाहता हूँ sir मैं. Sir सीखना चाहता हूँ sir. Sir आप फिल्में sir मतलब समझ गए sir. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके सुनो, ये मैंने देखा यार यहाँ पे रेलगड्डी में बहुत खूबसूरत सी कन्या थी जी, तो वो रेलगड्डी में हमेशा मिलती है, अधिकतर ऐसा होता है मैंने देखा है, शायद आप लोगों ने फील किया होगा जो मुंबई के बाहर. मैं एक रेलगड्डी से पहले एक और जो हमारी पिक्चर की रेलगड्डी है उसकी जो कन्या है उनको बुलाना चाहता हूं. वही मैं कह रहा हूं, मैं वही जो जिस भूत की बात हो रही है, जिस भूत के लिए इतना झगड़ा हो रहा है, कोई बोल रहा है कि मेरी हीरोइन है, कोई बोल रहा है कि मेरी पत्नी है, तो वो आगे पता बता दे कि वो है क्या. आई वुड लाइक टू कॉल तमन्ना प्लीज. जोरदार ताली होनी चाहिए. हेलो एवरीवन. तमन्ना बहुत सारी चीजें बोली जा रही हैं यहाँ पे. आई नो मैं भूत हूँ, बीवी में भूत है, बीवी भूत है, थोड़ा कुछ क्लैरिटी चाहिए ना सबको. तो हाँ क्या है, क्या बोलना चाहोगी मतलब ये? उसके लिए तो आपको पिक्चर देखनी पड़ेगी. नहीं वो देखेंगे हम लोग, लेकिन ये सोनू ने जानबूझकर अपनी बीवी को लिख के लिखा है जो लाइन, वाकई कितना मानती हैं आपके आपको हस्बैंड? मेरी शादी नहीं हुई, मुझे नहीं मालूम. जब होगी मेरे पति को मालूम पड़ जाएगा. मतलब अभी से बोल रही पता चल जाएगा है, छोड़ने वाली नहीं हूँ मैं. तो मतलब ये इस फिल्म में क्या है, मेरे को यार थोड़ा कंफ्यूज. ओके आई विल जस्ट जनरली टॉक अबाउट व्हाट आई फील अबाउट दिस फिल्म. मैंने साउथ में ऑलमोस्ट, अभी बोलना तो बहुत लंबा लगता है एक्चुअली, बट 10 साल से जो फिल्में की है, आई वॉज लुकिंग आउट फॉर समथिंग वेयर मुझे एक एक्ट्रेस के तौर पे लोग नोटिस करें, एक किरदार को नोटिस करें.
और जब विजय सर ये स्क्रिप्ट मेरे पास लेके आए, मैंने एक्चुअली पहले 15 मिनट में हाँ कर दी, क्योंकि मुझे लगा दिस इज़ द स्टोरी दैट पीपल शुड हियर. एंड उससे भी अच्छी बात यह है कि इट्स अ वेरी फन सब्जेक्ट, जो बहुत ही एंटरटेनिंग है. उसका फॉर्मेट बहुत एंटरटेनिंग है. सो दैट वॉज वॉट एक्चुअली वर्कड फॉर मी, एंड आई वॉज लिटरली इन टू द फिल्म 15 मिनट्स आफ्टर आई हर्ड द स्क्रिप्ट. So yeah, that's a huge, huge compliment for Vijay sir, because he was so convincing. And जिस तरह से उन्होंने picture shoot किया, और I don't know, लोग यहाँ पर जानते हैं कि नहीं, ये film 3 भाषाओं में shoot की गई है, हिंदी, तमिल, तेलुगू. So it was an extremely new experience for us, क्योंकि प्रभु सर, मैं, सोनू, हम हर shot 3 बार करते थे. वो आप कोई सीन हो, कोई लंबा सीन हो, या एक गाने का लंबा स्ट्रेच ऑफ शॉर्ट हो, हमें सब 3 बार करना पड़ा. तो ये हमारे लिए बहुत ही नया एक्सपीरियंस था. और आई डोंट लाइक टू एडमिट इट, बट ये तीसरे लैंग्वेज का आइडिया मेरा था. सो व्हेन आई गॉट इनटू इट, आई वाज लाइक ओके, आई वाज वेरी एक्साइटेड, आई हर्ड द स्क्रिप्ट, बट नाउ आई हैव सजेस्टेड दैट वी शुड डू अ थर्ड लैंग्वेज. बट आई फेल्ट दिस वाज अ फिल्म विच इज़ कम्प्लीटली यूनिवर्सल, भाषा से कहीं आगे है. आई थिंक किसी भी भाषा में ये फिल्म रिलीज की जाए चलेगी, ये मेरा मानना है. एंड आई एम जस्ट वेरी हैप्पी दैट आई गॉट टू वर्क विद प्रभु सर, because I've always admired him. In fact, I remember giving a performance on stage as a tribute to him. And aaj unke saath kaam karna, unki biwi ki tarah kaam karna, I was very, very happy to do that. And it's been an amazing experience for me, kyunki humne bahut hi ek bahut hi quick schedule mein ye film quick do teen schedule mein ye film khatam ki hai. And that's possible only agar sabki planning bahut achhi ho. So again, Vijay sir, thank you for being so well planned and you know, making this film happen so beautifully. Sonu ke saath main bahut si filmon mein kaam kar chuki hu in the south, and now I was very happy to work with him after so long. And I think he has looked amazing in this film. Like I was like, every time he wore a new costume and came, I was like, I have never seen you looking so dapper. So Sonu, you're looking stunning in this film. And mujhe ek baat kehni hai film ke bare mein, ki yahan par be it Farah ma'am, they're all, you know, friends and people who I really adore, I really love. Thank you, Farah ma'am, for being a part of this film. Aise lagta hai doston ke saath kaam kar rahe hain. And Prabhu sir ko main isse pehle nahi janti thi, but he mere liye, he is my teacher, he is my guru, because is film mein ek jo gana raha hai mera, wo mere liye bahut hi mushkil tha. And agar Prabhu sir ne mujhe us gaane mein madad nahi ki hoti, shayad main wo gana kabhi nahi kar pati. So thank you, Prabhu sir, for being there for me. And I have to do this. It's time. Yeah. And we can't forget the very, very amazing choreographer who was also helping out in the song. His name is Paresh. And there's Juhi, his lovely assistant. Please stand up, show your faces to the lovely camera. So yeah, inke bina bhi yo gana possible nahi hota. So thank you all. And you know, I have known Vashu ji for all my Hindi films, and now Deepshika is here, so I'm so thrilled, because the, you know, I feel like the world is so small, you end up meeting all the same people and working with them, so it feels awesome and great. I feel like it's working with family. Isha is the you know, a total chiller. I love hanging out with her. I think we have some catching up to do, and your song looks stunning. You look so hot. So thank you all, and thank you all for being here. I hope I haven't taken too much of your time. क्या बात है यार, बहुत बड़े जोरदार तालियों चाहिए. सर, चुनाव का वक्त आ गया है सर, तो इनको प्लीज आप खड़ा कर सकते हैं कहीं पे भी, किसी भी एरिया से. बहुत अच्छा बोलती है, बहुत एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए. पूरा कोटा कंप्लीट कर सकती हैं, रियली तमन्ना, वेरी गुड, ब्यूटीफुल. आप इसके बाद स्टेज के नीचे भेज देते तो मैंने बोला एक ही झटके में सब बोल दूं. नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो, आप बोर हो जाओ, बोला चलो चलो बैठ जाओ, इतनी एक ही झटके में सब खत्म करना है. नहीं नहीं, ऐसा नहीं है. इतनी खूबसूरत लड़की को कभी जिंदगी में हम तो मतलब कमाल करते हैं मतलब. लेकिन यार, हमेशा मैंने सुनो एक चीज़ देखी है, जो लोग मुंबई से बाहर से हैं, वो जब मुंबई शहर में आते हैं तो ट्रेन में आते हैं. आपने देखा कौन कौन आया, जरा ट्रेन में जाओ मुंबई शहर, जरा हाथ तो खड़ा करो यार, कितने लोग हैं यहाँ पे. सब फ्लाइटों में आए हैं, सब फ्लाइट वाले हैं. अरे सब ट्रैवल किया, ट्रैवल किया ना, ट्रैवल किया. तो अधिकतर क्या होता है, जो जवान लड़के होते हैं, इनकी शादी नहीं होती, उनको ऐसी आशा रहती है, इच्छा होती है कि यार ट्रेन में काश कोई लड़की मिल जाए. नहीं नहीं, उसने जवान लड़कों की बात की है. जवान लड़की तो अधिकतर दिल में होता है कि यार काश ये लड़की मिल जाए, मेरे बर्थ के पास मिल जाए, या यहाँ मिल जाए, वहां मिल जाए. लेकिन मैंने देखा भाई, इसमें तो यार एक बहुत ही खूबसूरत सी कन्या है. अगर आई है तो प्लीज स्टेज में बुलाओ, और नहीं आए तो कुछ बोलना चाहो तो उसके बारे में बोल दो. नहीं, मैं यही कहूंगा कि जब ट्रेन यहाँ तक पहुंच गई है, तो जो ट्रेन में सवार लड़की है वो भी यहाँ पर पहुंचनी चाहिए. अच्छा, आई वुड लाइक टू कॉल ईशा.
Hi everyone, good afternoon, and thank you for coming. And हिंदी इंग्लिश किस में बात कर रहे हैं हम? आप दोनों बात कर सकते दोनों में बात कर सकते हैं. तो इस गाने से शुरुआत करूंगी. सबसे पहले खासकर जब आप नॉर्थ से आते हैं, नॉर्थ में ही नहीं, आप आई थिंक बचपन में हम सब ने शादियों पे इस गाने पे डांस किया है. तो जैसे ही मुझे सोनू ने कॉल किया था इस गाने के लिए, मुझे सोनू ने भेजा, क्या सोनू ने मुझे इस गाने के लिए भेजा, तो मुझे आई लाइक यार ये तुम्हारे बचपन का गाना है, इससे तो हमें डांस करना ही पड़ेगा. सो एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट सोनूज़ फिल्म, सोनू हैज़ बीन अ डियर फ्रेंड, इज़ अ डियर फ्रेंड. एंड इस इंडस्ट्री में बहुत कम होते हैं जो आपके दोस्त हों, और मेरे लिए सोनू उनमें से एक है. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आई गॉट अ चांस टू वर्क विद प्रभु सर. आई मीन इट्स वेरी टफ मैचिंग स्टेप्स विद प्रभु सर, बट टू अ ग्रेट एक्सटेंड आई लाइक टू गिव द क्रेडिट टू आई लाइक टू कम्प्लीट. स्टेप के साथ मारना पड़ता और सिखाओ प्लीज हम लोग को यार. ओहो क्या बात है, कमांड यार, यहां से वहां तक चलना है, फिर मैं भी एक स्टेप. सो सॉरी फॉर द वार्डरोब, आई हैव डायरेक्टली कम फ्रॉम द रिहर्सल आल्सो. अच्छा खासा है, सब ढका हुआ, चिंता मत करो. क्या पहन गया था? कोट पहन, टाई पहन गया था? नहीं तो नो, बट इट्स बीन अ प्लेजर. एंड तमन्ना हैज बीन अ डियर फ्रेंड सिंस वी वर्कड ऑन her film, which was Hamshakal. It's been an experience, and I'm just happy I've got the great team. And Vijay sir, I mean, I saw his work, and मैंने trailer ही देखा है बस movie का, मगर इतना कहना चाहूँगी इस film को all the best wishes from my side, and I'm really happy in my own small way I was able to be a part of this film. Thank you. भाई ये जो रेलगाड़ी चालू हुई है, उसको उसकी एक जो आवाज़ आप सुन रहे हो, रेलगाड़ी की आवाज़ जो हमारा इंजन है, वो भी यहाँ पे इंजन आया हुआ है. अच्छा इंजन आया हुआ है. या क्या बात है. आई वुड लाइक टू कॉल नवराज आल्सो ऑन द स्टेज. नवराज के लिए एक बार जोरदार ताली में चाहिए. यू नो बहुत ग्रेट सिंगर है हंसराज, हंस जी उनके बेटे हैं नवराज. एंड मुझे याद है कि हम लोग जिम में एक्सरसाइज कर रहा था, मैं जा रहा था, सो सडनली नवराज कहता पाजी क्या कर रहे हो? मैं कह यार बस अभी कुछ गाने प्लान कर रहे हैं हम लोग फिल्म के. कहता है एक बड़ा अच्छा है मेरे दिमाग में गाना, मैं सुनाऊँ क्या? मैं क्या हाँ सुनाना है. तो जिसमें पूरा जिम का म्यूजिक बज रहा था, नवराज ने वैसे ही गाना शुरू किया. मैं कह यार अच्छा है चल अभी बना रहे हैं इसको गाने को. हमने गाड़ी में बैठे और हम सीधा स्टूडियो गए, एंड दिस इज हाउ वी एक्चुअली मेड रेलगड्डी सॉन्ग. सो ये बोलते नहीं कोई चीज़ें हो जाती हैं, बन जाती हैं. सो आई थिंक नवराज इज बिन वेरी वेरी स्पेशल फॉर दिस सॉन्ग. नवराज यू वॉन्ट टू से समथिंग? सब तो पहला तो सारे नु सत श्रीकाल जी, और पाजी बिग थैंक्स टू यू, आपने मेरे पे ट्रस्ट किया, ये गाना मुझे गाने दिया, और मैं मेरा दिल इदा इदा कर रहा है. मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. मैं जिन लोगों को स्क्रीन पे देखता रहा हूँ, आज उनके साथ खड़ा हूँ. प्रभु सर, सोनू पाजी, तमन्ना जी, ईशा जी और फारा मैम सामने खड़ी हैं. मुझे तो मेरा ऐसे सच्ची मेरा दिल बहुत डर रहा है, मेरा गला ड्राई हो गया एकदम. पर ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है यहाँ पे खड़े होना, इस स्टेज पे खड़े होना, आके गाना. पर बस मैं थैंक्स करता हूँ अपने गुरु जिनकी वजह से मैं आज यहाँ खड़ा हूँ. उस्ताद, मेरे उस्ताद जी हैं श्री हंसराज हंस, जो मेरे फादर भी हैं, वो मेरे गुरु हैं, और मैं जो भी गा रहा हूँ सिर्फ उनके सिखाया हुआ और उनकी वजह से गा रहा हूँ. मैं अगेन थैंक्स करता हूँ सबका यहाँ आने के लिए. और पाजी थैंक्स टू यू. मैं गौना भी है इजाजत है जी? बिल्कुल बिल्कुल. ओ गोगल पाके काले काले उच्ची हील ते आई, इंजन बन गई तू गड्डी दा, लव दी स्पीड बढ़ाई. ओ एर में तेरे हेर हे उड़ते लगदी हाई फाई, एर में तेरे हेर हे उड़ते लगदी हाई फाई. ओ पीछे हो जा पाजी ये गाना आगे मैं तब कंटिन्यू करूंगा. यस आई विल कंटिन्यू सिंगिंग. बट हम लोग डांस कर रहे हैं, ये क्या बात है. इंजन कौन है गड्डी का पाजी? साथ बजवा दो, मजा आ क्या बात है. गाने के साथ अगर म्यूजिक बजे तो डांस हो जाएगा यहाँ पर. We'll be right back.
मुझे लगता है कि बन जाती है चीज़ें, सोचा नहीं जाता। मैं इंजीनियरिंग करने गया था, वहाँ से एक्टर बन गया, अभी एक्टर था तो यू नो प्रोडक्शन में रख लिया। पर मुझे लगता है कि जब मैंने इस ये दिस इज़ माई फर्स्ट फिल्म एज अ प्रोड्यूसर, बट मैंने रियलाइज़ किया कि यू नो बहुत मेहनत का काम है। यू नो दिन रात जाकर, रात रात भर जाकर म्यूज़िक बनाना पड़ता है, फिर शेयर करना पड़ता है, फिर शूटिंग करना पड़ता है, कॉस्ट्यूम्स खुद बनाने पड़ते हैं, प्रोडक्शन खुद संभालनी पड़ती है, बड़ा मुश्किल काम है। बट आई थिंक आई हैव लर्नड अ लॉट यू नो फ्रॉम दिस फिल्म एंड ऑल बिकॉज ऑफ द पीपल यू नो आई यू नो ऑल माई फैमिली, प्रभु सर, ईशा, तमन्ना, परेश, दीपशिखा, विजय सर, फारा, सो आई थिंक ऑल दे मेड लाइफ इजी एंड यू नो देयर लॉट्स ऑफ पीपल यू नो हु मेड दिस पॉसिबल। आई एम श्योर आई एम फॉरगेटिंग मेनी नेम्स, यू नो they are definitely, you know, I think mushkil tha lekin seekhne ko bahut kuch mila and you know I've learned a lot. Mujhe lagta hai ki jo genre hai bahut kam bana hai, logon ne explore nahi kiya, log thoda sa thrill dekhna chahte hain, bahut sari comedy dekhna chahte hain, par jab you know dono ka ek mishran ho jaye ki horror comedy ho aur kamal ka music ho, I think then you call it as a complete entertainer. So I feel jo tutak tutak tutiya hai isme wo sab tutiyapa dekhne ko milega jo public dekhna chahti hai. Sonu ji on your left, Sonu ji on your left, sorry sir, Simran Singh from Book My Show. Haan ji, Simran bhai, सबसे पहले मेरा सवाल है कि जो ये टाइटल है तू तक तू तक तूतिया, व्हाई दिस टाइटल ओनली, और क्या यही टाइटल ओरिजिनल था या इससे पहले आपने कुछ और भी सोचा था ये टाइटल की अगर बात करें तो? इससे पहले हमने सोचा था और, लेकिन जैसे आपने पूछा कि क्यों, ये सवाल मेरे पास भी है कि क्यों, एक मिस्ट्री है कि ये फिल्म ही हमारी पूरी मिस्ट्री है। यू नो आपको थोड़ा देख के लगेगा क्या ये म्यूजिकल है, क्या ये हॉरर है, क्या ये कॉमेडी है। सो और एक ये शब्द है, यू नो इसको देख के, मैं पंजाब से हूँ, मैं खुद बड़ा हुआ हूँ, हम सुने हैं, आई थिंक सब लोगों ने सुना हुआ है। सो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि ऐसा टाइटल जिसमें बहुत सारी मिस्ट्री हो, बहुत सारे सवाल हो, कि लोग पूछे कि क्यों, कि क्यों ऐसा टाइटल है। मुझे लगता है कि अगर कोई और मस्ती भी हो, बहुत सारी मस्ती भी हो, सो जब आप ट्रेलर देख चुके हैं, आपको पता है कि इसके अंदर वो सब चीज़ें हैं, मिस्ट्री है, मस्ती है, सो आई थिंक इससे बेटर टाइटल हो नहीं सकता। ओके प्रभु सर मेरा आपसे सवाल है, प्रभु सर मेरा आपसे सवाल है कि जिस तरह ये डायलॉग है हर बीवी में भूत होता है, तो प्लीज बी फ्रैंक, आप कितना इस बात पे बिलीव करते हैं? इट डिपेंड्स ऑन टाइम। क्या बात, बहुत ही सच्चा आंसर है भाई। ओके तमन्ना, सर ये ना मलकीत पाजी का, मलकीत सिंह जी का सॉन्ग था तूतक तूतक तूतियाँ, बट ये टाइटल के लिए, बट आई थिंक वी हैव दिस सॉन्ग तूतक तूतक तूतियाँ, वी हैव रिक्रिएटेड दिस सॉन्ग, और फिल्म में भी आप इस गाने को देखोगे, बड़ा कमाल का हम लोगों ने बनाया है। सो वी हैव दिस टाइटल नंबर ऑल्सो, बट या ऑब्वियसली वी टुक एवरी थिंग, यू नो जो भी चीज़ें चाहिए रहती हैं उस यू नो राइट्स रिक्रिएशन वो सब हमने, वी हैव डन इट एंड देन वी वेंट हियर। तमन्ना मेरा आपसे सवाल है कि जब ये शूट हो रही होगी, आई एम श्योर कि आप तभी बाहुबली भी कर रहे होंगे, सो हाउ डू यू यूज टू मैनेज इट, कैसे आप करते रहिए मैनेज, मतलब फर्स्ट साउथ एंड देन दिस, और ये भी तीन लैंग्वेज में आपको करनी है, सो थोड़ा उसके बारे में बताइए। वेल फॉर्चुनेटली जब मैं ये फिल्म शूट कर रही थी तभी बाहुबली पोर्शन फॉर मी हैड नॉट स्टार्टेड, सो आई वॉज फाइन। एनी वे दिस फिल्म इटसेल्फ वॉज वेरी कंज्यूमिंग, क्योंकि जैसे हमने आपको पहले बताया कि ये फिल्म तीन भाषाओं में बनाई गई है, and the beauty again is that it's being packaged you know as a film as a whole. Like lot of people kabhi jo south mein filmein banti hai, they think ki you know hindi film kaise ho sakti hai wo, so we've packaged each film as an individual language and we're presenting it. In fact we have three different producers, we have three different names, like in hindi is tutak tutak tutiya, in tamil it's devi, in telugu it's abhinetri, so every language is being treated, given its own importance, so that it looks like a film which is from that language itself, because kafi sare baar mujhe bhi notice hota hai ki log baat karte hain ki you know what ye shayad south ki film hai, ye, you know it's not for the north whatever, so to crack that it's completely it's as north as you can get, because it's called tutak tutak tutiya, so how else. And just to add to banana ki isme sab supporting actors bhi badal jate hain, कि ऐसा नहीं कि यू नो सब कॉमन है, सो अगर सब की रेट्स रहती थी कि अगर एक बार हिंदी का टेक खत्म हुआ तो फिर जो तमिल के सपोर्टिंग एक्टर थे वो आ जाते थे, फिर वो टेक खत्म होता तो तेलुगू के सपोर्टिंग एक्टर्स आ जाते थे, तो आई थिंक बहुत सारी प्लानिंग बहुत सारी प्रोग्रामिंग हुई, विच आई वुड गिव ऑल द क्रेडिट टू विजय सर कि सबको इकट्ठा करना, सबको लेना, वो सब सीन्स एग्जीक्यूट करना, इट्स ऑलवेज अ वेरी टफ जॉब, बट आज हम जब देखते हैं प्रोडक्ट हो तो लगता है कि यार
इट वॉज अ ग्रेट थाट, क्योंकि प्रभु सर मैं तमन्ना हम लोग सब साउथ की फिल्म्स भी करते हैं, सब भाषाओं में फिल्म करते हैं, और आई थिंक इट वॉज अ वेरी वाइस एंड वेरी इंटेलिजेंट मूव बाय विजय सर. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 7 अक्टूबर को आ रही है ये, शायद हमने किसी ने 7 अक्टूबर नहीं नहीं लिखा हुआ है ऊपर, सबने देखा है कहाँ लिखा है? यस यस, टिकट बुक होने बोला नहीं ना, हमारी आवाज में नहीं आया. 7 7 7 7 7 7 जी मैं एक्चुअली आई वांट टू बी नोन एज एन एक्टर पहले, बिकॉज जब तक हमारा काम ही एंटरटेनमेंट है और हम चाहते हैं कि मैं चाहती हूँ कि मैं जितनी अलग अलग किरदार निभा पाऊँ उतना मेरे लिए एक एक्टर की तौर से सैटिस्फाइंग रहेगा. तो इसीलिए बाहुबली जैसी फिल्म के बाद मैंने ये फिल्म चुनी, क्योंकि मैं चाहती थी कि लोग मुझे एक एक्ट्रेस के किरदार में देखें और इन दिस केस लिटरली एक एक्ट्रेस के किरदार में देखें. सो इट वॉज यू नो इट वॉज अ डिसीजन ऑन माई पार्ट दैट आई वॉन्ट टू डू फिल्म विच गिव मी मोर मीट. दीपशिखा मेरा सवाल आपसे है. दीपशिखा पहले सरब जी फिर तू तक तूतिया, तो क्या थॉट प्रोसेस होता है कोई भी फिल्म के साथ जुड़ने का आपका? सी लाइक आई सेड इट हैज़ टू बी एंटरटेनिंग एंड हम डिफरेंट वैरायटी लेके आ रहे हैं अपने व्यूअर्स के लिए. सो जहाँ एंटरटेनमेंट है वी विल ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ इट. दैट्स द ओनली स्ट्रेटजी दैट शुड बी देयर फॉर एनी प्रोडक्शन हाउस. इज देयर एनी मोटो बिहाइंड दिस? द मोटो इज टू ब्रिंग गुड सिनेमा, मीनिंगफुल क्वालिटी सिनेमा टू एवरीवन टू वॉच, एंड दैट्स व्हाट इट इज. Any future project you want to share with us? There are lots, but I think I'll choose another time to speak about that. Thank you so much. Yes, there is a surprise, and I think you all will know about it tomorrow. Very, very special, special. जैसे बोल रहे हैं हमारा trailer में एक बहुत सारी mystery है. So क्यों online नहीं हुआ उसके पीछे एक बहुत बड़ी mystery है, जो आपको खुद कल सब लोगों को पता चलेगा कि क्यों आज online नहीं, क्यों कल आएगा. South I'm not doing right now. There's not a project in South, but I hope to do it because we have great directors over here. You can see the great team, the great actors. Very good friend of mine are also here. But Hindi mein, ji haan, Hindi mein I'm doing more work right now. I just finished Commando, and then I'm gonna start Badshah Ho, and then the next one starting in December. So it's Rustam success has of course helped a lot. Thank you. Yeah, Sonu here on your left. Yeah, Sonu Justin here. So, no, was it intimidating to dance with Prabhu sir, who's known for to be a very good dancer? No, we and Prabhu sir rehearsed together. I was always insisting Prabhu sir ki thoda sa aur agar rehearsal kar le to acha ho sakta hai. So main pakad pakad ke Prabhu sir ko leke aata, but he you know, I worked with him in 2 movies as a director. I always know that, you know, the way he presents his actors is phenomenal, and I knew that, you know, jab maine first time I shared the song with Prabhu sir, he said ki Sonu yaar dancing bahut karni hai isme, khub rehearsal karenge, and I remember ki humne hall book kiye 5-5, 6-6 ghanta. See, actually Prabhu sir was very intimidated dancing with Sonu. You have to understand. I was waiting for it. Please, Sonu was a very very good dancer, and Happy New Year was revolving around Sonu's dance. So actually Prabhu needed the rehearsal more than Sonu. So Farah ma'am, did you ever plan to make to perhaps cast Prabhu sir in your film as a full fledged role? I am Prabhu's biggest fan. I think he knows that from the time I started my career is to watch him dance. First he was a dancer, then he became a choreographer, then of course a hero director. He is multi talented, and he is just the sweetest, most humble person I think in the entire film industry. And after Farah, matlab ye to. But for him, for me too, I've choreographed him in 1 movie only, in Sapne, and for me that was like I could have retired after that. For me, my Farah, was 2 movies. Pura. You're forgetting Happy New Year also. Prabhu Happy was New Year. Well, he just came and did his own thing. So definitely, I mean, he's when you see him dance or act, and he's such a good actor. We forget how good an actor he is, because his dance just overtakes everything. So I'm just happy I got to spare to share space with him in Tutak, and I got to shout at him also in the movie. Even I don't know. Really, I don't know. Many people ask this, but even I'm surprised. What was going on?
I don't know to answer this question. When they were there, tell me. Yeah, correct. You are right. Like that only. I don't know how to answer this. और इनके सर ये दो के सिवाय और कोई किसी पास क्वेश्चन? Also any plans perhaps to have a special screening of the film for Jackie Chan because you're working with him so. I love to, you know, first jo look tha Jackie ne unveil kiya tha is film ka. I when I shared with him when he was shooting, he said he was very proud. He said, "Yaar, you're producing movies." I said, "Yes." And I love to show him, and of course I will show him and I'll get his feedback and I'll make him dance also on Rail Gaddi and Tutak Tutak Tutiya. Also, Farah ma'am, are you also exploring other opportunities to be a full-fledged actress? I mean, you've done a lot of cameos. Already, she doesn't have dates. South mein itni demand aa rahi hai, aap pooch nahi sakte. Dekha nahi, isliye South mein bhi dala hai. Veli, 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 po. Tamil, Telugu industry itni offers flood ho rahi hai. Why do you think I'm sitting next to the director? ये अभी वो कमेंट में बाद में देखो लॉबी में देती हूँ। थैंक यू गाइस लास्ट क्वेश्चन एनीवन और कोई हाउ वुड यू रेट सोनू एज अ डांसर हु आर यू आस्किंग प्रभु सर मी मी प्रभु सर नॉट मी ना अच्छा हुआ सी गुड कमिंग गुड फ्रॉम प्रभु सर इज द बेस्ट बेस्ट जिंदगी बन गई सोनू है अभी पंजाब जा रहा हूँ मैं वापस थैंक यू गाइस बहुत बहुत शुक्रिया And मैं चाहता हूँ कि आप लोग जरूर आएं। We'll just like to have you know technicians we have it before we end. I love to do it. मैं अभी भी ढूंढ रहा हूँ कि ऐसी मिले कोई कमाल का स्क्रिप्ट मिले पंजाबी का तो वो भी करूँगा। सब भाषाओं में करेंगे तमिल तेलुगु हिंदी पंजाबी जो भी भाषा मिल गया। I love to be part. I think production is really an amazing. You know, job, and I'd love to be a part of many, many more languages as a producer. Yeah, it's very thrilled, very excited. Let's see. The film is done fabulous, like a fabulous job. So. Thank you, ma'am. Thank you. No, actually, as I said. It is like exam. We are just waiting for. We written the exam, waiting for the result. I hope, you know, with all the good wishes, like Farah ma'am and people like from outside the film and wishing us. I've seen parts of the movie. It is outstanding. Thank you, ma'am. No, it is the original film. Okay, I just have to tell this. My co-writer is from Hollywood. His name is Paul Oren. We written the script together. He came to set and he was part of this film. Yeah. Yeah, my question is to Tamanna ma'am. You said that you wanted to be known as an actress. So, whom do we see more in the movie? Your actress, or Prabhu sir, or Sonu sir? Like, whom is the main engine of the movie, as you say? I think we all have our own parts to play to make the film the way it is. But I think the beauty is the mystery and the comedy. ये सवाल फराह जी से है और सोनू जी से और पूजा से मतलब हाल में आपने देखा होगा कि यू टीवी डिज्नी और रिलायंस पीवीआर सब ने फिल्म बनाना बंद कर दिया बिकॉज उनकी फिल्मों में लॉस बहुत हुआ तो इस चीज़ को एक तो आप देखते कैसे हैं क्या ये फिल्म इंडस्ट्री के सिंगल प्रोड्यूसर्स के लिए अच्छी बात है कि अब वो अपने उसमें फिल्म बना पाएंगे या फिर इस लॉस को आप मानते हैं कि मतलब सितारों का जो स्टार्स थे उनका बजट कुछ ज़्यादा हो जाता था ये उसकी वजह से सब आंसर आपने खुद दे दिए तो सब और मुझे सिर्फ एक बात पूछनी है पूजा कौन है मतलब पूजा एंटरटेनमेंट अच्छा पूजा अच्छा दीपशिका सारे सवालों के आंसर आपने खुद दे दिए गाइस थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया फरहान आपने स्टार्ट किया था तो प्लीज एंड भी कर दीजिए कुछ बोलना चाहें फिल्म के बारे में ट्रेलर गाना देखा आपने एंड आप कीजिए प्लीज एंड आई थिंक लंच का टाइम हो गया है थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग एंड विशिंग the movie super super success because most importantly it's been made by the nicest people in the film industry We'll be right back.
She's beautiful. She's the queen of the screen. She's mind-blowing. I must say, to me, she's like poetry in motion. Ladies and gentlemen, esteemed media members, please welcome Kangana Ranaut. Come on, taliya ho jaye yaar. Oh my God, you look so pretty. Thank you so much for joining me. Thank you. Thank you. I would like to ask you, sabse pehle to... Hello everyone. This is an unusual day for me that I am here today for my friends. And mujhe bahut acha laga Sonu ne mujhe is itne acche opportunity pe bulaya jahan pe mujhe inke gaane dekhne mil rahe hain sabse pehle. Aur Prabhu sir ke saath kabhi kaam karne ka mauka nahi mila, lekin aaj I think is bahane hum log कोई शुरुआत कर सकते हैं, साथ में फ़ोटोज़ खिंचा सकते हैं एटलीस्ट टू बिगिन विद, फिर बाद में फिल्म भी हो जाएगी. एंड आई थिंक मेरे जो दोस्त हैं अजय धामा, उनका अगर नाम नहीं लिया तो मेरी तो बहुत पिटाई होगी. तो उनको तो शष्टांग प्रणाम, और उन्हीं के लिए हम आज यहाँ पे हैं. और धामा जी के लिए बहुत ज़्यादा तालियाँ प्लीज़. धामा जी प्लीज़ आइए. धामा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, और चाहे मेरा कैसा भी टाइम रहा हो, धामा ने हमेशा ही मुझे बहुत ही सपोर्ट किया है. एंड ही इज़ लाइक अ बिग ब्रदर फॉर मी. और इनकी पहली फिल्म है, तो हम सब यही चाहते हैं कि इनको बहुत बहुत हमारी दुआएं और शुभकामनाएं. क्या बात है, क्या बात है. सो कंगना, आई नो यू आर सो ईगर टू सी द सॉन्ग्स ऑफ द फिल्म, सो क्या हम बजाएं और दिखाएं आपके लिए? सो आई वुड लाइक यू टू प्लीज टेक दैट सीट. प्रभु जी है, सोनू है, सो जस्ट बी सीटेड हियर एंड लेट्स हैव द म्यूजिक ऑफ द फिल्म. तू तक तू तक तू तिया. वी हैव सम अमेजिंग सॉन्ग विद द को प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म दीपशिका देशमुख. मैम, कैन वी प्लीज हैव यू ऑन स्टेज. And the actors, Sonu Suji and Prabhu Deva sir. By the way, aapne produce bhi kiya is film ko pehli baar, and it looks fabulous, so lovely. Aapse sabse pehle main janna chahungi, yahan par aap aayi thi specially because ye songs jo the wo aapko... I'm baithe. Please have a seat. Please. So you were so eager to see the songs of the film. Kaisa laga aapko, kitni masti hai? I think ye to full, full masti lag rahi hai. And... सोनू मुझे बता रहे थे कि दिस इज़ अ कॉमेडी हॉरर फिल्म, आई थिंक विच इज़ अमेजिंग, बिकॉज हमारे यहाँ पे या तो कॉमेडी होती है या तो हॉरर होता है. आई थिंक इट्स रियली नाइस दैट इट इज़ समथिंग वेरी न्यू. एंड तो आई थिंक क्वाइट अ कॉकटेल ऑफ फीलिंग्स इट्स गोइंग टू बी. आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ तमन्नाज वर्क ऑल्सो, एंड आई हैव सीन हर फिल्म्स, एंड आई फील के उनको हमें, मैंने कभी उनकी कोई ऐसी परफॉर्मेंस जिसमें उनमें आई थिंक भूत घुस जाता है इस तरह की, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. तो बाकी आपको सोनू बताएंगे और प्रभु सर बताएंगे. मुझे वैसे प्रभु सर का डांस देख के तो हम लोग सभी उनके कायल हैं, और अभी फिर से उनको देखने का मौका मिल रहा है. आई थिंक वी आर रियली एक्साइटेड टू यू नो सी दिस फिल्म. क्या बात है. थैंक यू सो मच कंगना फॉर बीइंग हियर वंस अगेन. आपसे जानना चाहूँगी दीपशिका, इतने सारे ऐसे एक्टर्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, बी इट एमी या फिर ईशा या फरा मैम, सबकी सब लोग, दे आर ऑल जॉइनिंग इन यू नो टू प्रमोट द फिल्म ऑब्वियसली बिकॉज ऑल ऑफ देम फील दैट देयर इज समथिंग रियली फन एंड एक्साइटिंग दैट्स हैपनिंग. व्हाट यू हैव टू से अबाउट इट? आई थिंक इट्स अ वेरी एंटरटेनिंग एंड अ फुल मसाला एंटरटेनर, मोर द मेरियर. अ लॉट ऑफ पीपल हैव जॉइन द रेल गड्डी एंड आई होप अ लॉट मोर, सो यू विल बी सीइंग अ लॉट. मैं भी रेल गड्डी आई. ओके, आपसे जानना चाहती हूँ मैं, ये मुझे ना इसका पूरा म्यूजिक देख करके, फील देख करके ऐसा लग रहा है कि ये जो जितना भी अभी नवंबर में शादियाँ होंगी ना, फुल बराती डांस इसी पे होने वाला है. तू तक तू दिया. सो डू यू थिंक दैट दिस इज लाइक द न्यू शादी सॉन्ग्स का एल्बम और समथिंग लाइक दैट? डेफिनेटली. यू नो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक कंगना, यू नो, फॉर मेकिंग दिस द होल इवेंट सो स्पेशल. बोलते हैं कि जब आपकी ज़िंदगी की शुरुआत होती है तो आपके अपने दोस्त जिनके साथ यू नो बहुत सालों से आप जुड़े रहते हैं, वो लोग आपके साथ होने जरूरी हैं. सोनू इज वन ऑफ माय ओल्डेस्ट फ्रेंड्स. हम लोग पहले मिले थे, पुरी सर की फिल्म शूट कर रहे थे उस समय शायद एक्टिंग भी शुरू ही कर रहे थे. एंड उसी टाइम मैं अजय धामा जी को भी, जो हमारे यहाँ पे हमारे बहुत ही करीबी दोस्त हैं, उनको भी मिली थी.
और आई रिमेंबर के फिर सोनू के साथ में बहुत दोस्ती हो गई और बहुत नज़दीक हैं, हिमाचल से मोका के हैं तो उनके फादर भी हमारे घर आते थे, सो वी आर वेरी क्लोज, पर इतना बिजी रहते हैं कभी मिलने का मौका नहीं मिलता. और आज मतलब मिलने के लिए फिल्म बनानी पड़ती है तो लेकिन मैं आई फील रियली फॉर्चुनेट टू बी हेयर टुडे फॉर सोनू. लाइक ही सेड, ये इनकी ज़िंदगी की एक अलग अभी पारी शुरू कर रहे हैं, तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू बी हेयर फॉर हिम. थैंक यू. एंड ऑफ कोर्स यू नो, जब बोलते हैं कि आप ज़िंदगी की पहली पारी शुरू करते हैं तो आपके अपने लोग आपके साथ जुड़े होने बहुत ज़रूरी हैं. प्रभु सर इज लाइक माई ब्रदर, कंगना इज देयर, हनी, यू नो, ऑल ऑफ अस, एंड ऑफ कोर्स अजय, एबी, लॉरेंस भाई, एंड ऑफ कोर्स you know, lots of people, I'm sure, you know, I'll forget because of all the people sitting. Of course, Raja Ashu, who's given the music for Tutak Tutak Tutiyan, Shabir Bhai, Shabir Ahmed, the lyricist. And just want to say that, obviously, this is my first step as a producer, but just trying to give my best shot. I know that, you know, music is very, very important in any film. The script is great. And we just thought that we need to have a music which can make all the weddings special, all the celebrations special. We have grown up on these tunes of Tutak Tutak Tutiyan, and now when we have this music as a part of our film, so feel really special. The whole thing is looking very, very good. And when it'll come on this public platform, I need your wishes to make this special. And of course, Prabhu sir will share a few moments of the whole journey that we had together for Tutak Tutiyan, and especially for the song also. I remember when we were shooting the song last week, in the morning I got a call from Prabhu sir that, you know, he had a severe backache and he was not able to move also. And we were really scared that, you know, the man who's going to dance and make us dance, you know, he is suffering. And then, you know, Ajay, you know, he took him to the physio. And once the music started playing, I think the whole backache was gone. I think that is why we call him Prabhu Deva, the man who defines actually what the real dancing is. So what, Prabhu sir, you want to say? First of all, thanks to you all, and thanks to Kangana. Thanks, and thanks to the music director of Tutak Tutiyan. Sir, can I interrupt you and narrate a little incident? When I was back home, back in the mountains, so sir ka wo gana ke sara sara, but that time we didn't have all these channels, and you know, it used to come in that Chitrahar. And we used to, you know, like we used to be like holding our breaths, kya aaj ke sara sara aa jaye, kya aaj, you know, so we used to be, I was a huge fan of that song, and today it's such a, I don't know, such a uncanny moment that I'm sitting with sir, and you know, he's talking about this song today, and he looks like he's not aged one day. He looks the reverse. Same. So that's amazing. Yeah, please. And Kangana, so we all are going to dance also on Tutak Tutak Tutiya with Prabhu sir. And first of all, best wishes to Sonu, my friend, and thanks to Deepshika madam. We all need your blessings. अरे नहीं नहीं, मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर पूछना चाहती हूँ. डांसिंग तो है, यू आर अ प्रो एट इट, आप तो उसके सरताज है, उसके बारे में क्या कहूँ मैं. बट देन इन द ट्रेलर देयर इज दिस वन डायलॉग वेयर यू से हिंदी नहीं आता, एंड देन आपको करेक्ट करते हिंदी नहीं आती. तो हिंदी छोड़िए, मैं चाहती हूँ आप एक डायलॉग मेरे लिए बोले उर्दू में. इख्तियार तबस्सुम की लौ को दिल में जलाए रखना. सर ट्राई. इख्तियार तबस्सुम की लौ को दिल में जलाए रखना. இந்த உலகத்துல எல்லாருமே நல்லவங்க. If there are any, I would please urge to keep the questions only related to the movie and no personal questions. So can we roll the mic? हमने एक बहुत एक निरंजन हमने एक फिल्म की है और पूरी सर ने वो डायरेक्ट की है, तो उस वक्त वहाँ पे उन्होंने बहुत बैडी एक प्ले किया है, सो ही इज प्लेइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोल इन दैट फिल्म. वो एक एक्सपीरियंस रहा है, बाकी आई होप गॉड विलिंग वेरी सून कुछ हम लोग साथ में करें, क्योंकि इट्स वेरी स्ट्रेंज सोनू के, वी यू नो, वी हैव नॉट वर्क टुगेदर आफ्टर दैट, तो ऐसा चाहेंगे कि ऐसा कुछ हो. Actually, no problems. I always heard stories, you know, the job of a producer is very, very tough. Yeah, it's a tough journey. But like I said, you know, when you have
you know, your actors who are always there for you, who come before you actually call them. So I think that makes the journey very easy. I remember when we finished this movie, we almost finished it and we wanted three numbers. I remember I have a very close friend, lyricist Shabir Ahmed. I'm sure you know he should be here. You know, I called him, I said, you know, we need to make some good music, and then actually, you know, how this Rail Gaddi and Tutak Tutak Tutia and, you know, all this music happened. So like I said, you know, you need just friends and your well wishes, and whether you are producer or do anything in life, I think that makes life very easy, yeah. Sonu, zyada aasan kya hai? Acting karna ya film presents karna ya in dono ko balance karna ya aur exercise aur bhi reinvent karne wale apne aap ko? Mujhe lagta hai, प्रोड्यूसर का काम बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आपको यू नो 300-500 लोगों को जवाब देना पड़ता है कि क्या चल रहा है, यू नो, फिल्म बनाते हुए भी, फिल्म बनाने के बाद भी, और जब तक आप रिलीज़ नहीं होती. सो इट्स ए प्री टफ जॉब, बट लाइक आई सेड, यू नो, जब मैंने इंजीनियरिंग ख़त्म की और यू नो एक्टर बनने की इच्छा की, तो मैंने तब अपने डैड को बोला था, यू नो, वन डे डेफिनेटली आई वुड लाइक टू बिकम अ प्रोड्यूसर एंड मेक अ प्रोडक्शन हाउस ऑन योर नेम. आज उन्हीं के नाम पे, यू नो, शक्ति सागर प्रोडक्शंस मैंने खोला डैड के नाम से. आई थिंक दिस इज इन ऑल दीज इयर्स दैट आई हैव यू नो बीन हियर इन दिस सिटी, बट आई थिंक दिस इज द मोस्ट स्पेशल फेज ऑफ माय लाइफ दैट आई हैव प्रोडक्शन हाउस ऑन माय डैड्स नेम. सो आई थिंक एक चीज और है सोनू, कि रीजनल सिनेमा की जो रीच है वो अब ग्लोबल हो चली है, एक तरह से पैन इंडिया हम देख रहे हैं, वहाँ बाहर की फिल्में यहाँ बन रही हैं, यहाँ की फिल्में वहाँ. आप किस तरह की फिल्में, अगर रीजनल फिल्में बनाने का शौक हो या बनाएं, तो किस तरह की फिल्में या किस तरह के आइडियाज पे काम करना पसंद करेंगे? मुझे लगता है कि सिनेमा की भाषा नहीं होती, यू नो, मैं चाहे तमिल फिल्म बनाऊं, तेलुगु बनाऊं, पंजाबी बनाऊं या हिंदी बनाऊं, स्क्रिप्ट्स अच्छे लगने चाहिए और आपको एक्साइट करने चाहिए कि आप, यू नो, सुबह उठें और काम शुरू करें एज ए प्रोड्यूसर या एज एन एक्टर. बट आई डेफिनेटली लाइक टू एक्सप्लोर माई सेल्फ एज ए प्रोड्यूसर इन ऑल द डिफरेंट लैंग्वेजेस. आई वर्कड इन, यू नो, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, ऑल द फिल्म्स. सो आई थिंक आई वुड लव टू प्रोड्यूस फिल्म्स इन ऑल द लैंग्वेजेस. जस्ट नीड विशेस, दैट्स इट. सुनो कंगना, दोस्त तो प्रोड्यूसर बन गए, आपका कोई इरादा? अभी तो नहीं, लेकिन आई, यू नेवर नो, बट आई थिंक मुझे डायरेक्शन का थोड़ा सा भूत है, प्रोडक्शन का इतना नहीं, तो मे बी दैट सोनू कैन हेल्प मी. आई विल प्रोड्यूस इट, ही विल डायरेक्ट इट. सोनू, ऑल द थ्री सॉन्ग्स लुक्स फैंटास्टिक, बट कहीं ना कहीं सेकंड सॉन्ग में लगता है एक होम प्रोडक्शन का फायदा आपने उठाया है. यू फ्लॉन्ट योर बॉडी एंड व्हाट आर द कॉस्ट्यूम्स एंड ऑल्सो, कहीं ना कहीं वो कहाँ जाएगा? नहीं, उसमें मैंने बजट बढ़ाया, मैंने कपड़ों पे खर्चा ही नहीं किया. मैं बोला कपड़े उतारो यार, ज़रूरत नहीं है, तो उसमें प्रोड्यूसर का दिमाग काम किया. बट यू नो, मैं पूरी फिल्म जब चल रही थी ना, मेरे डायरेक्टर ने बड़ा बोला कि यार इसमें बॉडी दिखाओ, आप कपड़े उतारो, बॉडी दिखाओ. मैंने बोला नहीं सर, इसमें रहने दो. तो पूरी फिल्म में मैं बचता रहा बॉडी दिखाने से, और लेकिन जब गाना आया उसमें ज़रूरत पड़ी तो कपड़े उतर ही गए. तो आई थिंक इट्स ओके, नॉट बैड. My question, Deepshika, you produce lots of content-driven films recent past when you turned produce for Pooja Films. What made you to think about and to be associate with the film this, Tutak Tutak Tutia? Both Sarabjit and Madari were very high on content and they had a very strong social message. ये एक simple entertaining film है, लेकिन इसमें भी एक बहुत अच्छा message है. And Prabhu sir's dancing and Sonu is one of the best producers I've seen. There's not a better human being than Sonu. We've interacted with so many people. Thank you so much. But he's really, really very sweet. And thank you Kangana for gracing this. So इसमें भी एक बहुत special message है, but packaged in an entertaining form, which you will see. All right, last two questions, please. I think the best thing about Prabhu sir's steps is that they look so musty, you know, like as if he's having so much fun, and there's a lot of humor and quirk in it. Even the way he's sliding, and even the way he, you know, like he does one movement and everybody just falls on the floor, right? So there's a lot of there's no rule to his dancing, you know. So there's a lot of spontaneous musty khori in it, so which I really love, and I don't know if anybody can ever copy it. Because they are just, you know, impulses which are just been translated into movements, and it's really amazing. I completely love what he does, but I can't follow it. Last Sonu, question, please. So really, congratulations for the film. Thank you. Sumit ji yahan aa gaye hain, sab saavdhan ho jao. Wahi bola tha. Saavdhan. Sumit ji ne bahut silence ke baad ek lambe pause ke baad ek sawal ki. भाई ये ठहराव कंगना ने ही सिखाया है.
प्रभु जी, माय कैमरामैन वो सेइंग कि लाइक जिस तरह से इस फिल्म में आप लग रहे हैं ना, मतलब डैशिंग लग रहे हैं, इससे पहले मतलब इतने खूब, मतलब खूब कभी नहीं लगे आप। सर सुमित जी, वो तो कैमरामैन बोल रहे थे, आप क्या बोलते हो? सर कैमरामैन की नज़र ही असली नज़र होती है। सर योर कमेंट्स। ओ कैमरामैन को पर्सनली जाके कमेंट्स देंगे। थैंक्स टू माय कैमरामैन मनोज। सुनो, आपने कंगना के बारे में बताया, कैसी हैं एक्चुअली कंगना? आप काफ़ी समय से जानते हैं। नहीं बताना सुनो, इसको नहीं बताना, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी अ मिस्ट्री फॉर यू सुमित, आई वॉन्ट यू टू बी इंट्रीग्ड। नहीं, इनके आधार कार्ड का नंबर है A46, वैसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं कुछ। हाँ जी, डोमिनेटिंग है क्या ये, या मतलब इंटिमिडेटिंग? मेरा हंटर लेके आओ, लेके आओ प्लीज, समबडी गेट इट फ्रॉम माय कार। सुमित, वी नीड टू टॉक। अच्छा एक मिनट सुनो, आपने देखा है कि जब कंगना की सबसे खास बात क्या है, जब वो शर्माती हैं और वी नीड टू स्माइल करती हैं, जब स्माइल करती हैं और शर्माती हैं और फिर तिरछी निगाहों से देखती हैं। मैंने कहा था ना, सब सावधान हो जाओ, सब सावधान हो जाओ। शुरू से था या अभी हुआ है? मैं ये सोच रहा हूँ सुमित, अगर आप ना हो तो ये कैसे हो, ये सब बहुत जरूरी है आपका। देखिए कंगना की आप तिरछी नजरों की बात करें या शर्माने की बात करें या डोमिनेट कुछ भी बात करें, कंगना की एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो स्पेशल है। बोलते ना कि भगवान एक फर्मा बनाता है, उसके बाद वहाँ से दूसरी कंगना नहीं बन सकती। सो आई थिंक दैट्स यू नो व्हाट वी कॉल कंगना, वेरी वेरी स्पेशल हर चीज़ में, ऑन कैमरा ऑफ कैमरा, एज अ पर्सन आई थिंक शी इज़ वेरी वेरी स्पेशल। क्या बात है, इसी के साथ में थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चंस गाइस। आई एम सो सॉरी, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑन टाइम। ओके, लास्ट क्वेश्चन। जब ये सोचा कि तू तक तू तक तूतियाँ बनाना है, तो बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स ने उस पर काम किया, कई लोगों ने, यू नो मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन सबके वर्जन्स मेरे पास आए, लेकिन फिर भी मुझे वो कन्विक्शन नहीं मिला कि जैसा मैं चाहता था वैसे कैसे बने। तो मेरे एक बड़े अच्छे अजीज़ दोस्त हैं शबीर अहमद, अगर आगे हैं तो प्लीज़ आ जाएँ, कहीं पीछे छिपे खड़े हैं। तो यू नो तो इन ये मैंने इनको रात को पकड़ा कि मैंने बोला कि ऐसा कुछ गाना बनाया जाए शबीर भाई, तो उन्होंने अपने एक और दोस्त जो राज आशु हैं उनको पकड़ा, वो भी आगे आ जाएं कहीं पे हैं। तो यू नो हम लोगों ने रात रात भर बैठ के, 3-4 रातें हम लोगों ने सारी रात बैठ के यू नो इस म्यूज़िक पे काम किया, और फिर वो जो चीज़ बनी वो आपके सामने है। आई फील कि इट्स वन ऑफ द वेरी वेरी स्पेशल नंबर्स दैट दे हैव क्रिएटेड, और जब आप सुनेंगे, कल से पूरा हिंदुस्तान पूरी दुनिया सुनेगी, तो आपको पता चलेगा कि अगर तू तक जैसा बड़ा सॉन्ग हो तो उसके लिए कितना कमाल का काम करना पड़े। आई थिंक दे हैव रियली वर्कड हार्ड टू मेक दिस वेरी वेरी स्पेशल। करीबन 7-8 म्यूजिक डायरेक्टर्स ने काम किया था इस पे, बट आई थिंक द बेस्ट वी हैव नाउ इज अमेजिंग, एंड आई थिंक बीच में दैट इज दैट फ्लूट, या हां फ्लूट फ्लूट म्यूजिक इज ऑसम, आई लव दैट इफेक्ट। सोनू एक सेकंड, रुचि एक सेकंड। ओके, अब यहां पे ऐसी गोलीबारी हो सकती है कि हम लोग बिखर जाएंगे। नहीं, वो ऐसा वैसा और नहीं, सवाल पूछो। ओके, इफ यू आस्क अ गुड क्वेश्चन देन वी गोना आंसर। या I always like take care of you. सर एक बड़ी उस पर संजीदगी की और गंभीरता के विषय पे आप सभी से विचार, हमारे सैनिकों के लिए, हमारे सोल्जर्स के लिए who have gone through like such a tragedy, would you like to say some words the terrorist attack which has happened, so just for the sake of them, if you all would like to say condolence for their family and everyone. Yeah, it's very disheartening. It's very disheartening and appalling to a point that, you know, it's basically we're all in a state of shock for what has happened. And like you said, you know, we can do is extend our to the families of the soldiers. But you know, I mean, I don't think anything can compensate for that loss. Sonu, aap apne shabdon mein Hindi mein? जी बिल्कुल, बहुत दुख होता है, यू नो जब हमें पता चलता है कि जो
यू नो सैनिक अपने परिवार को छोड़कर यू नो हमारे देश की रक्षा के लिए होते हैं और फिर वही अपनी जान खो देते हैं, उनके परिवार वालों पर क्या बीती होगी हम ये महसूस नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ हम लोग सोच सकते हैं कि किस दौर से वो लोग गुजर रहे हैं। बट दुआ करते हैं हम लोग यू नो भगवान से कि उन्हें ताकत दे उनके परिवार को इस ये लॉस की कभी भरपाई नहीं हो सकती। बट आई जस्ट फील वेरी वेरी सैड, यू नो हम लोग फिर अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो जाते हैं भाग दौड़ में, लेकिन उन परिवारों के लिए वो ज़िंदगी वहीं ख़त्म हो चुकी। तो मेरे माय हार्ट गोज़ टू ऑल द फैमिलीज एंड जस्ट प्रे टू गॉड दैट गिव देम स्ट्रेंथ टू बेयर दिस लॉस। थैंक यू कंगना, एंड अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट ऑफ द दिस इवनिंग्स प्रोग्राम आई नो आई एम अगेन कमिंग टू अनदर जोन जोन। Yeah, I'm just requesting Prabhuji, if you can like have a step with Kangana, yeah? If you can remove the chairs. I think let's anyway have it. Thank you so much, Sumit, for that. I think let's anyway have it. Tu tak tutiya pe ek step to banta hai. Wo Kangana, step jo ki sab log follow karenge. Only for Sumit. Only for you. Rest everybody is supposed to dance actually. That's why. All right, guys, join in. Learn the steps. Because this is the next party number. Let's have it. Tutak tutak tutiya.
सुनो, व्हेन डज दिस आइडिया केम, एक साउथ इंडियन मतलब एक इडली पंजाबी सर्व करने का, हाउ डज इट होल आइडिया केम फ्रॉम? देखिए, मेरा ना साउथ से बहुत पुराना कनेक्शन है. जो मैंने स्कूलिंग किया वो साउथ इंडियन थे, फ्रॉम चेन्नई सीक्रेट हार्ट स्कूल. जब मैं उनके साथ फिल्म की, मेरी वाइफ साउथ इंडियन है. मेरा करियर की शुरुआत तमिल फिल्म से हुई. वहीं पे मैंने हिंदी से ज़्यादा साउथ की फिल्म्स की हैं. और मेरे बेस्ट फ्रेंड मेरे भाई प्रभु सर हैं, अगेन ही से साउथ इंडियन. सो एक साउथ का कनेक्शन है पंजाब के साथ, वो पक्की बात है मेरी ज़िंदगी में एटलीस्ट. और फर्स्ट फिल्म ऐसे प्रोड्यूसर अगेन प्रभु सर हैं साथ में. इसे ट्राई लिंगुअल तमिल तेलुगू हिंदी फिल्म है. सो नॉर्थ और साउथ का जो बॉन्डिंग है, अगर आप बेस्ट एग्जांपल दें, आई थिंक तू तक तू तक तू तक इज बेस्ट एग्जांपल फॉर दैट. ओके, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दिस होल कॉम्बिनेशन ऑफ साउथ एंड पंजाबी? आई थिंक ये सेड वन मिनट, आई थिंक इट वर्क्स एंड इन दिस फिल्म ऑल्सो इट वर्क बिकॉज मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ पिक्चर देखा. इट वर्क्स, इट अच्छा. Okay, Tutak Tutia is one of the popular song in Punjabi number. It's one of the popular number. Still, it's going. Means people loved it. What was your thought when it's once the title suggested? And how does it all gonna be? Title though, no. I've heard about it. Not like Sonu heard this song, but I heard this song. Like it is a famous number, but it was not in my mind also. It was totally full Sonu's idea only to get the Tutak Tutak Tutia. This title and the song also. The song though we just did three days back. The song. Song is a tremendous track. It was like the, of course, thanks to Sonu, because they were, whoever hears the song, they have to dance. It's something in that song, that beat and that lyric and some magic is there in that song. That and also just now we were watching the song. It was very happy. Sir, Prabhu sir ke saath means aapne you been under his direction, now sharing space on a screen space, how does it whole experience and what sort of learning experience from him as an actor, we can say? You know, when I worked with him as a director, I knew that he's a great actor also, because you know, initially before I became an actor, I've seen his movie, you know, I really admire his work. But when he works as a director also, he always shows you the way it should be done. He's got that timing and he has got that he's got that nick that, you know, he understands what people like on screen, you know, that the connection between an actor and the camera, I would always say, is the director. So he is that connection that establishes an actor with the camera. So I've experienced as an actor when I worked with him when he was a director. But now working with him as a co-star, I could see that, thing in him, that the timing is perfect. And he knows, when to give the reaction to any action that you do. So thoroughly enjoyed as a co-actor, as a brother, as a producer. I think the whole journey has been one of the most special ones. And was it really difficult to convince him for the movie, or is it a cakewalk? No, not at all. I think we all floated together only, you know. The thought came, the movie happened. I think when you plan many things, nothing happens in life. I think God has, he's the biggest producer who plans, who casted us as actors, who made this film happen. So there's no planning as of now, you know, we're all family. We sat, the idea came, the film happened, and now we are standing in front of you. So planning is only for making buildings and lots of other things you do. I think for movie, it's just a thought that makes you, this thing, happen in your life. So, sir, the moment teaser first frame, I saw the first teaser frame. So, it reminded me of Humse Mukabla, that super movie. Really? What sort of memories did you remind from that, and no, especially with the teaser? Because that steps, the those are fantastic. Seriously, I'm just. Thanks for that. But what to say, when people appreciate, of course, I'm a normal human, I'll feel happy. That's it. What do you want to say about the term horror comedy? It's a new genre. Even I like this genre very much. I love horror films, but this though is like horror comedy genre. It's a very rare genre. Not seen many in Bollywood at least. So when in the film it worked for us. I mean, you have to see it. We have worked hard, and the entertainment in this film is very good. It's like you will be laughing, 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 and it's very entertaining, family entertaining. And
Being a producer, was it a conscious effort to make it the film to be trilingual film? Is that a conscious effort from your end, being a producer? No. It was always destined to be shot in three languages because the actors that were casted are popular in all the three languages. We all have done films in Tamil, Telugu, and Hindi. And when you have a great script, you know, you don't have to plan too many things. You know, entertainment has got no language. You just have to come and screen if you have a good script. And you know, it's like magic. So even Tutak Tutak Tutiya is a script that demanded actors, which you know were popular in all their respective languages. And when they all come together under one roof, I think a great product happens. But that the script made you to choose the film basically and produce it. Does that? Yeah, you know, you have to be convinced before you actually become a producer that you know, yeah, this is one script you want to be associated as a producer. And I think I'm really glad that my first film is Tutak Tutak Tutiya. And Sunam, is it really gonna be difficult for you to be producer, act, and dancing with Prabhu sir? So was it more seriously? Which one the difficult one for you? Nothing was difficult. You know, I've learned a lot. I think I haven't danced like this before ever in my films. I've done so many movies, but I think people will see a new you know Sonu in this movie because I was under the right guidance. I've spent many days rehearsing with Prabhu sir, and he got those steps right. So you know they're looking good on screen when you're dancing with the best actor in the country. So I'm sure you know the compliments are bound to come your way, but thoroughly enjoyed. I think it's a new avatar that you know tried with this movie, and I think I'm thoroughly enjoying it. Professor, would you like to comment on his dancing and how much you rate now him as a dancer from Rowdy Rajkumar to Rajkumar to now this? This is something no, really. No, as I say, leave that. I mean, acting and dancing and all, because that's you are going to see it. But what he did as a producer was literally tremendous. Because first time I'm seeing everybody has seen him as an actor and all. What he is doing for this film, how he promotes the film, and what he did only we know. Soon you will know when the film comes. He is promoting also in a big way. As a producer, he is giving his, like what they say, blood and sweat, they say, no? Yeah. Like that. He is doing it, and whatever he can do, he is doing it with full passion. He is doing. Even the songs you got, whatever you are hearing, Rail Gaddi, Tuthak, and I Love the Way You Dance, all you only got it. He sat for night and day, and he did. All are like, when I hear the song, it was like, he sent the song, so how is the song? I told it's extraordinary song, I Love the Way You Dance. Then one more he sent, so how is this song, Rail Gaddi? This is also too good. Then one more song he said, this is so tremendous. So all three in this, really? Like, see, as a producer, he has given his everything. And also, I want to tell next, of course, he will produce next films, and whoever does it, he will be the luckiest person, he will be the happiest person. With him. Okay, Sonam, will we going to see the recreation of the main song of in the movie especially? So what sort the song will be? How is it going? We've just shot this song, and we have seen the song today only. It's looking mind-blowing. It's looking very, very nice. We're very, very happy with the whole result. I think another week, 10 days, you'll see the title track coming up. But it'll be something that'll force you to get up, that'll force you to dance and groove. It's something really, really that was you know required in all the clubs and the parties, and I'm sure you know people will groove. Tell something about your character. It seems that you are playing a superstar, something related with Sonu only. So is that the same similarity of Sonu we're gonna see on the screen also, or something different from you? I think when you play an actor on screen, it's something different. But again, like I said, you know, the whole track is so nicely woven in the script that you will feel for the role, you'll feel for every character and how they are nicely woven together. And I thoroughly enjoyed playing it. You know, I think the whole journey as an actor in this movie has been great because of my co-stars, because of the script, because of the conviction we had, and I'm sure you know when the way we enjoyed shooting the film, people will enjoy watching it. Prabhu sir,
Prabhudeva, tell us something about your character. Is it the same Prabhudeva? No, it's nothing to do with Prabhudeva. It's a totally a film character. And a guy who is wanted to marry a modern girl, and he will be marrying to a village girl. And then how he manages, and all with between me, Sonu and Tamanna is the film, like how it goes. And one more main character is there, that you will see it in the film. You see it in the film, but you can't see it in the film. Yeah. Like that, that's a screenplay. And so, lastly, Shah Rukh sir gave the voice, film to Summer Down. He's your friend, so what sort of combination you guys having? And maybe seeing the film, you know, after I met him, you know, he's like my family, and whatever I've done in my life, I always discuss with him. But when I was doing this film as a producer, I wanted him to be part of, in any way, you know. He was traveling, he was in Prague at the time, and I shared the thought of him being the narrator. So he thoroughly, I think it was very kind of him that he went all the way, drove all the way to the studio midnight and recorded the voice, and I think that made the promo sounds so special. So I think that's what your family and friends are for, that when you, they're always a phone call away, and when you call them, I think they stand by you through the courses of your life. And I think Shah Rukh is one guy who I can vouch for that, you know, he's just always a phone call away. And one of your favorite director, Farah Khan, also is in the movie. Yeah. And her dialogue is dance, related with the dancer. How do you take that to her? I think she's brilliant in the film. You know, I think she's got natural, you know, the sense of humor is great. And the way she talks and all, I've almost shot with her for Happy New Year for almost 1 year. And I knew that, you know, when we were shooting the scene, if Farah Khan plays Farah Khan in the film, she'll add a lot of value to it. And, you know, it's a film we have on the sets. Prabhu sir is there. Again, he's known to be the best dancer. And when a choreographer asks the best dancer in the country that, do you know anything ABCD of dancing, I think that line itself is carries a lot of humor. And that too coming from Farah for Prabhu sir, I think that does the job. Okay, lastly, we had one more genre in the film, which Akshay Kumar's Bhool Bhulaiya. It's a bit reminder of that movie. So, any connection with that movie, or anything you just like to say about it? Do you feel that film going to work really well in that genre? So, this film going to be... Good to hear that you were comparing with that, no? Yeah. It's a super hit film. First of all, thanks for that. But like I said, you know, it's the genre... this horror comedy, yeah, Bhool Bhulaiya had something, but it's a different, totally different script, nothing to do with it. But like I said, this is something entertaining, which anyone who loves watching family films, anyone who loves watching horror films, anyone who loves watching comedies, thrillers, I think it's a buffet for all of them to come and taste everything. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. मुझे जब मैंने पहली बार स्क्रिप्ट सुनी, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि दो अलग किरदार हैं, काफ़ी, आई मीन दे प्रिटी मच द ऑपोजिट ऑफ ईच अदर. एक है एक विलेज की लड़की का, एंड और एक है बहुत ही एक ग्लैमरस कैरेक्टर है, जो उसका एसेंस तो आपको फिल्म देखने पे मालूम पड़ जाएगा. फॉर मी व्हाट वाज वेरी वेरी क्रूशल एंड एसेंशियल वाज टू क्रैक द लुक, बिकॉज विजय सर चाहते थे कि ये एक साउथ विलेज में रहने वाली लड़की है, तो शी शुड लुक लाइक दैट फर्स्ट ऑफ ऑल. सो आई वॉज वेरी कंसर्न एंड सर वॉन्टेड, यू नो, लाइक देर शुड बी सम काइंड ऑफ मेकअप विच इट ट्रांसफॉर्म्स मी इनटू दैट. एंड वी डिड सेवरल ट्रायल्स फॉर दैट. एंड एक वक्त आया कि हमने वी मेट अ जेंटलमैन कॉल पटनम रशीद, हु क्रिएट्स लुक्स फॉर मूवीज, एंड he came on board and he styled my look for the village character. And I had Aparna Mitter, you know, doing my makeup through the film, and Madhuri Nakle doing the hair. And they achieved the look perfectly. So that was, you know, first block out of the way. Apart from that, I was given references of, you know, Revati ma'am from an old film of Kamal sir's. And so, I mean, that was the reference of the character, the village character. So, of course, that's more in a very basic way, but at the end, I ended up doing what Vijay sir actually had conceptualized. And na hi sirf body language mein, balki even awaaz mein fark hoga in do characters mein. And
सो फॉर मी इट वॉज रियली रियली चैलेंजिंग और उसके ऊपर से ये फिल्म तीन भाषाओं में बनी है. सो द प्रोसेस ऑफ शूटिंग वॉज प्रीटी मच क्रेजी बिकॉज एक भाषा में करेक्ट टेक आना हमें चैलेंजिंग लगता है कभी कभी. ये फिल्म में तीन बार करना था और नॉट ओनली सीन्स बट इवन डांस सीक्वेंसेस. तो जब जब हमारा लिपसिंक होता था वो लिपसिंक को बदला जाता था हर भाषा में. सो दैट वॉज वेरी चैलेंजिंग एंड बट मज़ा भी आया बिकॉज अब मैं जब फिल्म देख रही हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है कि यू नो उस वक्त हम काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल से गुजर रहे थे बट आज जब फिल्म देखते तो इट फील्स वर्थ इट. वेल इट डेफिनेटली ब्रिंग्स एन लाइक एन ऑडियंस. जब वो ट्रेलर देखते तो उन्हें वो डिसाइड कर लेते कि उनको फिल्म देखनी है कि नहीं देखनी. तो इट टेक्स यू टू दैट पॉइंट. उसके बाद क्या होता है अगर फिल्म रिलीज होती है लोगों को पसंद आती है तो एक वर्ड ऑफ माउथ होता है जो बहुत हेल्प करता है. सो वी आर ओनली होपिंग दैट यू नो पीपल गो वॉच द फिल्म एंड आई वी होप दैट दे लाइक इट बिकॉज वी एज एक्टर्स मैं हूँ प्रभु सर हैं सोनू हैं. आई फाइंड इट अ वेरी वेरी अनकन्वेंशनल कास्टिंग. आई मीन नॉर्मली कौन सोचता है कि प्रभु सर मैं और सोनू एक फिल्म में मेन लीड्स में होते. आई मीन दैट इज़ इट सेल्फ क्वाइट अ नॉवल कॉन्सेप्ट. सो दैट टू मी इज़ इंटरेस्टिंग एंड आई फील वी आर ऑल प्लेइंग कैरेक्टर्स. सो अगर लोगों को किरदार पसंद आए सो वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट. ओके उसके अलावा इतने सारे लोगों का यू नो गेस्ट अपीयरेंस करना शाहरुख का वॉइस ओवर करना ये कितना हेल्प करेगा तुम्हें? वेल यू नो दिस इज द गुडविल दैट सोनू हैज एंड सोनू उनके सारे दोस्तों ने इसमें स्पेशल अपीयरेंस करने के लिए राज़ी हुए हैं. एमी ऑफकोर्स वॉज लॉन्च बाई विजय सर इन तमिल फिल्म. सो यू नो दैट वॉज यू नो काइंड ऑफ a thing that Vijay sir added to the film. So we're very thankful jo jisne is film mein special appearances kiye hain from Farah ma'am to Amy to Isha to Shahrukh who's given the voiceover. We're all very thankful to each and every one of them for being a part of our film and making it more special for us. Kangana ne bhi bahut tareef ki hai uske bare mein kya kehna chahenge abhi just mere colleague. Yes, I mean I feel really really touched and first of all I'm a huge fan of Kangana's. And not only of her acting to sabhi jante hain wo bahut bakhubi karti hain but even as a lady I think she's very very she's somebody who's really worked on herself and today she is an inspiration to a lot of women from her fashion sense to you know the way she carries herself to the way she is strong and outspoken. I think that main hamesha unke interviews dekhti hu because mujhe unke interviews dekhna pasand hai unka point of view sunna pasand hai. So I'm really, really, I feel really touched and I find it really a sweet gesture of her to say what she said. The last one, you know, अमूमन जब interviews होते हैं, generally आपके पास आते हैं और interview film के बारे में बातचीत होती है, कई बार artist भी कुछ कहना चाहता है. जी. कुछ आप कहना चाहें? नहीं, it happens. जी. कि आप उम्मीद करते हैं कि मुझसे पूछा जाए, भैया मैं उम्मीद कर रहा हूँ या कर रही हूँ? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि तू तक is coming out on the 7th of October. मेरे लिए आफ्टर बाहुबली आई माई सेल्फ वॉज इन लुक आउट फॉर अ फिल्म दैट टैब्स मी एज एन एक्टर. आई एम होपिंग दैट दिस इज दैट फिल्म एंड आई होप टू डू मोर फिल्म्स लाइक दैट. थैंक यू सो मच. थैंक यू. भाई आगे बता. हाय फोटोग्राफर. बोला यार हमारे यहाँ बहुत
सर सेंटर में सर यार सोनू एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, अजय धामा बहुत अच्छे दोस्त हैं, सो आई विश देम ऑल द बेस्ट. और मेरे को उम्मीद है कि जो प्रोमोस प्रॉमिस कर रहे हैं, जो ट्रेलर प्रॉमिस कर रहा है कि इट्स अ एंटरटेनर, वो मिलेगा देखने को. आनंद जी, इस तरह का गाना भी रहा है पहले और अब फिल्म बन रही है उस पर. आजकल हम लोग ये ट्रेंड देख रहे हैं कि गाने के ऊपर, गाने के जो बोल होते हैं उसके ऊपर फिल्में बनती हैं. जी
नहीं मैं मुझे उतना बेस लेवल पे तो नहीं मैं जज कर पाऊँगा गाने के लेवल पे, पर इतना ज़रूर बोल पाऊँगा कि हाँ इंटेंशन समझ में आ रहे हैं, एक एंटरटेनर बनाने का मन है, एक एंटरटेनमेंट फिल्म का मन है, सो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि हाँ जो जो फिल्म प्रॉमिस कर रही है, जो ट्रेलर प्रॉमिस कर रहा है, मुझे लगता है फिल्म में मिलेगा। अमित जी, आपको लगता है कि इन दिनों देश में देशभक्ति का जज्बा और भी ज़्यादा बढ़ गया है विद रीसेंट थिंग्स हैपनिंग? वो हमेशा रहना चाहिए, दुख की बात है जो बॉर्डर पे हुआ, और हम लोगों को हमेशा ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि ये जो कुछ देशभक्त कुछ सोल्जर्स जो हमारे वहाँ पे हैं वो हमारे लिए हैं वहाँ पे, आज जो हम इधर खुल के बात कर पा रहे हैं उन्हीं की वजह से कर पा रहे हैं, तो जब वहाँ दर्द होता है तो यहाँ दर्द होना चाहिए। आपको लगता है कुछ रिएक्शंस थोड़े गलत आ रहे हैं कई लोगों के इसमें, शायद फिल्म इंडस्ट्री के लोग हों चाहे कोई भी हो? ये हाईली इमोशनल टाइम है तो हो सकता है कुछ थोड़ा सा एक्सट्रीम रिएक्शन आए, बट वाजिब है, वो होता है, इंसान है, रिएक्ट करते हैं, बट हाँ मैं इमोशन समझ रहा हूँ, उनके वजह समझ रहा हूँ, सो उस तरीके से ये सारी चीज़ें ठीक है। अक्रॉस द बॉर्डर आर्टिस्ट कितना सही लगता है आपको? इस वक्त सच मायने में पूछिए कि मेरे देश से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे कुछ नहीं है, किसी भी कंट्री का कोई भी एक्टर मेरे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी मेरी कंट्री, तो ये वाला इमोशन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और मुझे लग रहा है फिल्मों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरी कंट्री है, तो मैं फिल्मों के बारे में कम सोचूंगा अपने देश के बारे में। वेरी वेल सेड, बहुत प्रशंसा करनी होगी आपकी, आपने खुल के अपना जवाब दिया। मैं डायरेक्टर बहुत बाद में बनाऊँ, पहले हिंदुस्तानी बनाऊँ, तो वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। थैंक यू, थैंक यू। सब लोग आपकी फिल्म के बारे में जानना चाह रहे हैं, उसके लिए मुझे टाइम दे दीजिए। टाइम दें सर, कितना मतलब टाइम निकलता जा रहा है? मजदूर आदमी हूँ, कहानी पे काम कर रहा हूँ, जल्दी पूरी करूँगा, जल्दी फ्लोर पे जाऊँगा, अपने वक्त पे आऊँगा। पर शाहरुख साहब को कुछ लेटर वेटर लिखा, कुछ क्या है ये? वो कुछ पर्सनल था, उसको अभी पर्सनली रहने दीजिए। हाँ हम एक दूसरे से खुशियाँ जाहिर करते रहते हैं ईमेल के जरिए, तो ये वही था। कुछ विशेष बात थी क्या उसमें? मतलब कुछ नहीं सर, प्यार मोहब्बत थी और कुछ भी नहीं था। एक्ट्रेस का नाम डिसाइड हो रहा था ना, वो आपको सबसे पहले बताऊंगा। थैंक यू, थैंक यू। कौन है वो? बैठ जा, बैठ जा, तो बाल लगा दे पीछे। मैम लुक है इधर इधर। आई एम योर, आई एम योर। मैम इधर सेंटर, सेंटर इधर इधर कम सेंटर 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 श्री अकरम को देखो, श्री अकरम को देखो। वन मोर, वन मोर। क्या वन मोर? अरे यार मैं एक और फिल्म ले रहा था और बिफोर विजय। मैम राइट में बोलना था उसके नाम में भी दाद, उसके नाम में भी दाद। हाँ भैया थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा आगे। हाँ लाइट आप नहीं होगी ना,
Ma'am, there is center. मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फाइनली 12 घंटे रह गए फिल्म के रिलीज के लिए जी मन में गुदगुदी या दिमाग में हलचल नहीं गुदगुदी नहीं है बिल्कुल एकदम आई एम हैप्पी अबाउट इट एंड यू नो वो जर्नी याद आती है यू नो जहाँ से शुरुआत की थी बहुत बहुत सालों बाद अब खुद की फिल्म एज ए प्रोड्यूसर बना दी है एंड इट्स ऑल सेट फॉर द रिलीज ऑफ फिंगर्स क्रॉस्ड फिल्म इज लुकिंग नाइस एंड जो कुछ भी मैंने देखा है आई एम प्रीटी हैप्पी अबाउट इट बहुत प्रमोशंस किए जी जान लगा दी आपने इधर जी भाग कर अपने प्रमोशंस किए बिल्कुल आई थिंक अपनी फिल्म है तो करनी थी सब फिल्म्स के लिए ज़रूरी है प्रमोशंस और वॉज इम्पॉर्टेंट की जो मेहनत की है सभी पूरी टीम ने इट्स इम्पॉर्टेंट की सब तक पहुँचे एंड आई एम हैप्पी कि म्यूजिक इज डूइंग वेल प्रोमोज लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं एंड आई होपफुली जब कल लोग फिल्म देखेंगे उन्हें फिल्म भी उतनी ही पसंद आएगी मिस्टर शाहरुख खान ने कुछ कहा आपके प्रीमियर के लिए फिल्म के लिए कोई विशेष कामनाएं शुभकामनाएं उनकी हमेशा ही रहती हैं यू नो प्रीमियर हो या वैसे भी उनकी हमेशा दुआएं हमेशा मेरे साथ रहती हैं उन्हें पता है कि आज फिल्म का प्रीमियर है आई विश कि यहाँ पे होते बट यू नो लिस्बन में है इस समय शूट करें बट आई एम श्योर उनकी विशेष हमेशा साथ रहेंगे उन्होंने फिल्म में आप स्पेशल वो दिया है वॉइस ओवर दिया है आपके लिए जी यू नो हाँ जब सोचा था कि किरदारों को इंट्रोड्यूस कराना है सबके सामने सो मुझे लगा कि एक ऐसी आवाज़ चाहिए जो सबको बहुत पसंद है और शाहरुख से बेहतर आवाज़ किसकी हो सकती है एंड आई थिंक
The way he introduced all the characters was very, very special, and that made the whole trailer look very special. Yeah. No, even I feel that, you know, the entertainment shouldn't have any boundaries. I think there's a lot, a huge section of people who are trying to get everything right. But I think as artists, I think it's our responsibility to somehow bridge those gaps and, you know, get that piece back. Yeah. I'm sorry, मैंने अक्षय का देखा नहीं है कि उन्होंने क्या कहा है, but like I said, you know, जो लोग भी you know ये calls ले रहे हैं strikes की, I'm sure, you know, they are much more capable than us कि हम लोग उन पे कुछ comments करें. You know, we are living in a, you know, a country where the best people are there to take those calls, and I'm sure, you know, they are thinking wisely for our country. Yeah. देशभक्ति की भावना बढ़ गई है इन दिनों, आपको लग रहा है देश में, मतलब लोगों का जो पेट्रियोटिज्म दिखाने का और आगे बढ़ के बोलने की बात जो आ रही है? आई थिंक ये हमेशा ही होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि अगर एक लुकिंग अटैक्स हुए सोल्जर्स ने अपनी जाने खोई और फिर हमारी देशभक्ति जागती है, वैसा नहीं होना चाहिए. आई थिंक हमेशा ही देशभक्ति की जो भावना है बनी रहनी चाहिए, बट जब ऐसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स होते हैं तो फिर थोड़ी सी ज़्यादा बातचीत होती है. बट आई थिंक ये माहौल जो हमारे लिए है देश के लिए हमेशा ही रहना चाहिए. आपको ये लगता है कि सैनिकों पे कभी उंगली नहीं उठनी चाहिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, जैसे कई लोग ऐसे? नहीं, डेफिनेटली आई थिंक, यू नो, आई थिंक दे आर द पीपल जिनके कारण आज हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, एंड दे आर द एक्चुअल रियल हीरोज, एंड दे आर द पीपल मेक अस प्राउड. अभी कहाँ हैं तमन्ना, प्रभुदेवा और सब लोग कहाँ हैं? सब आ रहे होंगे, रास्ते में होंगे, कुछ लोग पहुँच रहे होंगे, मैं अभी जस्ट पता लगाता हूँ. आई थिंक एनी मोमेंट दे शुड बी हियर, और पूरी टीम आएगी यहाँ पे. सब आपको आएंगे वापस सबके सामने के ऊपर जाके फिर दो के साथ बन जाएंगे? मैं आ जाऊँगा, आप मेरे को बुलाएंगे वापस आ जाऊँगा, कोई टेंशन नहीं है. और फारा आ रही है? फारा भी आएंगी, फारा ने अभी फ़ोन किया था, वो मेरे से पहले पहुँच रही थी, मैंने बोला मैं अभी पहुँच जानी, तो बोलती कि तू पहुँच फिर मैं आती हूँ. तो सी लॉन्ग से कम. इसमें एक जो सीन है वो शाहरुख खान की वो दर्द डिस्को वाला इंस्पायर्ड है क्या, जो आप हेलमेट लगा के और पूरे सिक्स पैक एट पैक दिखा रहे हैं और टोपी? सिक्स पैक तो हर में ही दिखाता रहता हूँ यार, कॉमन ही रहा तो जो भी आई थिंक नहीं, ऐसा नहीं था. पूरी फिल्म में डायरेक्टर मेरे पीछे पड़े रहे कि बॉडी के शॉट्स होने चाहिए, पर मैंने बोला कि एक ऐसी फिल्म करनी है जिसमें नहीं करने, लेकिन फिर भी फिल्म खत्म हो गई और उसके बाद जब सॉन्ग आया तो वापस कपड़े उतर ही गए. सो नथिंग दैट आई हैवन डन समथिंग न्यू, बट वो सॉन्ग में रिक्वायरमेंट थी तो हो गया. आई डोंट नो, बट ऑल द directors I work with, they always say that, you know, one day you'll direct a film, but I don't know. You know, I was from a business family who became an engineer, then I became a director, now I produce a film also. So, you know, destiny brings to the place where you belong, but let's see, you know, you never know. So, Bollywood mein jo kaam karte hain, regional movies kaam karte hain, jo achievement aapko international project mein kaam karte hain zyada lagti hai ya No, I would say when आप जब रीजनल फिल्म, मैंने शुरुआत तमिल फिल्मों से की, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, अमराती, सब भाषाओं में फिल्में की, बट लाइक आई सेड, यू नो, जब आप इन फिल्मों से करते हो देन यू गेट अ चांस टू वर्क विद अ फिल्म लाइक जैकी चैन या जो भी मैं फिल्म कर रहा हूँ थोड़ा बहुत. तो आई थिंक हर एक फिल्म एक स्टेपिंग स्टोन है आप अगले दौर तक पहुँचने के लिए, तो धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं, रास्ता अभी लंबा है लेकिन मंजिल मेरी ज़रूर जाएगी. अरे सुमित के होते हुए खबरदार है यार, जब आप बोलेंगे मैं तभी जाऊंगा. कितनी ओपनिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? देखिए सर, नंबर इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिल्म पसंद आनी चाहिए, और अगर फिल्म पसंद आएगी नंबर्स अपने आप बढ़ेंगे. सो ओपनिंग से ज़्यादा मुझे चाहिए कि लोगों को फिल्म पसंद आए, और उसी के लिए, यू नो, अभी मेहनत और मशक्कत जारी है. लास्ट सवाल, फिल्म के रिलीज़ के बाद ही प्रमोशन जारी रखेंगे, मतलब पोस्ट रिलीज प्रमोशन? जितनी कोशिश कर सकूँगा करता रहूँगा. यू नो, आई थिंक फिल्म लाइन में आजकल प्रमोशन इम्पॉर्टेंट है, सो कोशिश करता रहूँगा कि और मैसेज पहुँचाता रहूँ लोगों तक, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट. ठीक है, थैंक यू, हम भी सजेशन देते रहेंगे. जी प्लीज़ प्लीज़ देते रहिए सर, बहुत जरूरी है सजेशन सर. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू सर. थैंक यू.
Hello. Excuse me, all of the center.
दादा नीस पे आ जाओ, नीस पे आ जाओ, नीस पे आ जाओ। हाँ सर, सवाल जहाँ से भी आए देखना सामने। अच्छा सर, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, फाइनली द नाइट फॉर द प्रीमियर एंड 12 आवर्स टू गो फॉर द फिल्म। वेल, हम सब बहुत एक्साइटेड हैं, काफ़ी सारी प्रमोशन हुई है ये फिल्म के लिए एंड आई थिंक ये फिल्म, आई थिंक इज़ द फर्स्ट टाइम तीन भाषाओं में ये फिल्म एक ही दिन पर रिलीज़ होने वाली है। सो इट्स अ वेरी स्पेशल डे फॉर ऑल ऑफ अस बिकॉज इट्स नॉट वन फिल्म बट इट्स थ्री फिल्म्स फॉर अस। नॉर्मली एक फ्राइडे, जो पहला फ्राइडे के पहले जो रात होती है, नॉर्मली वी आर वेरी स्कैड अगले दिन एक इंडस्ट्री क्या रिस्पॉन्ड करेगी। यहाँ पर वी हैव थ्री इंडस्ट्रीज का रिस्पॉन्स, सो वी वेरी एक्साइटेड एंड थ्रिल्ड एंड आई होप लोगों को ये फिल्म पसंद आए। हम अभी फिल्म देखने जा रहे हैं, मैं भी फिल्म पहली बार प्रॉपरली देख रही हूँ, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी हाउ इज गोइंग टू बी एंड या इट्स बिन फैब वर्किंग विद दीज टू जेंटलमैन एंड मेरा खुश नसीब है इनके साथ काम करने मिला, सो वी आर एक्साइटेड नाउ। What I will tell you, definitely I will tell you, it's good one. फिल्म रिलीज नहीं हुई ना, अभी हो जाएगी तो एक्सपेक्टेशंस बिकॉज़ इट्स योर प्रोडक्शन आल्सो प्रोबेबली। या एक्सपेक्टेशंस आर देयर बट स्टिल वी हैव टू वेट फॉर टुमारो। हाउ मच यू आर एक्सपेक्टिंग द ओपनिंग डे कलेक्शन? वी वांट द फिल्म टू बी एक्सेप्टेड बाय पीपल एंड दे शुड लव इट। नंबर्स विल यू नो दे विल कम ऑटोमेटिकली। तमन्ना, काफ़ी मेहनत लगी फिल्म को, मतलब जगह जगह आपने जाके पसीना बहाया है सोनू और इंडिया के साथ। नहीं बट इट्स लवली एक्चुअली, पहली बार मैं काफ़ी सारे कॉलेजेस में गई, काफ़ी सारे पब्लिक प्लेसेस में गई एक फिल्म को प्रमोट करने के लिए, बट एक्चुअली वो उस वक्त मालूम पड़ता है कि लोग आपको कितना प्यार करते हैं, लोग आपको आपके काम को कितना पसंद करते हैं बिकॉज यू एक्चुअली सी क्राउड एंड पीपल रिएक्टिंग टू इट एंड आई थिंक पर्टिकुलरली द यूथ हैज़ रिस्पॉन्डेड रियली वेल टू द फिल्म एंड वी आर वेरी हैप्पी विद दैट रिस्पॉन्स। सो Other co-star Ajay Devgan has come out and said that, you know, bullet and culture cannot go hand in hand. Right. He's also said he won't be working with Pakistani artists or releasing his film. Right. What would you have to say to that? Why do you use that as far as... Well, I have already given my opinion on this subject and I just feel like probably it's not the best day to talk about it. But yes, I have my opinion but I would not voice my opinion today. Tamanna, lots of people like Mr. Shah Rukh Khan and Farah Khan have also come out with a support for the film. Is it nice people coming like supporting Sonu and such a goodwill he's enjoying these days? वो इतने अच्छे बंदे हैं कि उनके लिए सब कोई आ जाता है, सब कोई उनको हेल्प करना चाहता है एंड आई थिंक जब फ्रेंड्स का सपोर्ट होता है तो यू नो दैट्स व्हेन यू रियली वैल्यू योर लाइफ एंड यू आर हैप्पी टू बी वेयर यू आर बिकॉज एट द एंड जो भी होता है इट्स विद फ्रेंड्स सो सोनो इज ऑल योर गुडविल और मीडिया के शाहरुख खान सुमित भी तो आ गए हैं सपोर्ट के लिए एंड The genre, and the story convinced me about because this genre is like थोड़ा नीचे करोगे horror comedy film, it's a अलग genre so that convinced the story convinced. Would you be attempting a horror comedy as a director? Yeah, yeah, I want to. I want to do it. I have in my mind, but I will soon do it. तमन्ना, आपने अभी इस फिल्म को कुछ छुपा के रखा था, जब भी हम आपसे पूछते थे तो आप बोलती थी कि बाद में, ऐसा क्यों था? आज वो सही वक्त आ गया है ना, क्योंकि आई थिंक मेरे लिए बहुत ही स्पेशल था क्योंकि आई हैव अ ड्यूअल रोल इन द फिल्म, दो अलग अलग लुक्स थे, सो आई वाज एक्साइटेड फॉर दैट टू कम आउट एंड जब वो आया तो देन यू नो नाउ आई कैन टॉक अबाउट इट, अभी कल फिल्म रिलीज हो जाएगी सो वी हैव मच मोर टू टॉक अबाउट इट। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू, थ्री चीयर्स फॉर थैंक यू सो मच। एक सेकंड भाई, थोड़ा सा नीचे करना। ओ माय गॉड,
सुमित के हाथ में बहुत सारे कैमरे हो गए, संभाला नहीं जा रहा. ये क्या है माइक? फुल ऑन एंटरटेनर. बहुत मजा आया ट्रेलर देख के, तो इसलिए देखने आ गए. आई एम श्योर वी विल बी थर्डली एंटरटेन. बिल्कुल. एक्चुअली आजकल ट्रेलर से ही आपको आप डिसाइड कर लेते हो कि जाना है कि नहीं जाना है. जब हमने ट्रेलर देखा तभी दिल से एक हमारे दिल में ये था कि हमें देखना है. एंड ऑफकोर्स सोनू सूद की फिल्म है प्रभु देवा, हम जिनके फ़ैन हैं, तो वी आर वेरी एक्साइटेड कि हमें ये फिल्म देखनी है जाके. एंड डांस इज मोर इम्पोर्टेंट. आप लोग फिल्म में डांस ही डांस है और आप लोग डांस के लिए बहुत डेडिकेटेड भी हैं. वेल हाँ, डांस का मैंने एक्चुअली सोनू सूद के वीडियोस बहुत देखे जहाँ पे वो बहुत रिहर्सल कर रहे हैं. तो आई एम श्योर कि जो उनका जो गाना भी आया उनमें उन्होंने बहुत मेहनत की और बहुत अच्छे लग रहे हैं. और प्रभु देवा तो है ही, वो हम सब उनको बचपन से देखते हुए उनसे डांस सीखा है. तो ऑफकोर्स कॉन्टेंट तो बहुत स्ट्रॉन्ग है ही, प्लस उसके साथ डांस भी लोगों को बहुत देखने को मिलेगा. आई थिंक इस फिल्म में प्रभु देवा इज प्लेइंग अ नॉन डांसर, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू सी. तो मैं ये देखने जा रही हूँ कि बहुत अच्छे डांसर कैसे नॉन डांसर की एक्टिंग कर सकते हैं. हॉरर भी है और साथ में इसमें वो है भूतिया फिल्म है ये शो. हाँ, पता नहीं. भूत और कॉमेडी दोनों एक साथ. अरे बाप रे, भूत तो ये देख नहीं सकती है. अच्छा, कॉमेडी मैं देख सकता हूँ. तो दोनों इसको भी मुझे लगता है कि समझाना होगा, दिखाना होगा, क्योंकि बहुत डरती है. थोड़ा सस्पेंस खोल दिया, मुझे पता ही नहीं था ये भूत वाली है. मैं हमेशा आपके लिए मौजूद हूँ आप दोनों के लिए. अच्छा, एक चीज़ वी आर प्लानिंग आई सीइंग लॉट्स ऑफ पिक्चर्स ऑफ यू ऑन ट्विटर इंस्टाग्राम. कहाँ बढ़ रही है आपकी, मतलब किस तरफ दिशा है और कब हम आपकी तरफ से कुछ देखेंगे? बिल्कुल, अभी टी सीरीज की फिल्म जो वजह तुम हो मैं कर रहा हूँ वो ख़त्म हो चुकी है. परसों हमने शूट ख़त्म किया और उसका ट्रेलर इसी महीने मुझे लगता है 14 या 15 तारीख को आ जाएगा, आप सब देख सकते हैं. एंड अभी बस 5 दिन का और इंतज़ार, उसके बाद गाने, ट्रेलर. और भूषण जी ने प्रोड्यूस किया है, विशाल पांड्या ने डायरेक्ट किया, तो आई एम श्योर 1.5 महीना बहुत ही धमाल होने वाला है. Divina, can I ask you, your show ending and now you're starting a new show? Yes. Like one show is ending, dusra show is starting, so it is good. मैं बताता हूँ, ट्विटर जैसे बोल दिया आपने. मैं बताता हूँ, घर में नागिन थी, अभी ऑफिशियली ये नागिन प्ले कर रही हैं. और अभी मैं नागिनों की देवी प्ले करूंगी एन टीवी के संतोषी माँ में. तो आई थिंक विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग. डॉक्टर मधुमति फिनिश हो गया, अभी भी टेलीकास्ट चल रहा है और 2-3 दिन में हम लोग प्रोमो शूट कर रहे हैं. कल परसों प्रोमो शूट कर रहे हैं और उसके बाद से वी विल स्टार्ट शूटिंग. सो ये नागिन कितनी डिफरेंट होगी? ये बहुत ही ये नागिनों की देवी है और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही
सोच समझ के इनके कॉस्ट्यूम बनाए गए हैं, तो लेट्स जस्ट वेट एंड वॉच. देवीना, आई एम प्रोबब्ली आई एम गोइंग मोर एग्रेसिव टू यू, ऐसा नहीं है, लेकिन आई एम वेरी सेंसिटिव टू यू. पर क्या है कि काफ़ी नागिने पहले से ही हैं, कॉम्पिटिशन ज़्यादा नहीं हो जाएगा सामने रखें. हम लोग जिस फील्ड में आए हैं वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं, फिर भी कंपटीशन से हम लोग डरते नहीं हैं. जहाँ कंपटीशन नहीं है, खाली मैदान में तीर घुमा के क्या फ़ायदा, तो जहाँ पे बहुत सारे खिलाड़ी हैं वहाँ पे जाके तलवार घुमा के खेलने में ही मुझे लगता है ज़्यादा मज़ा है. आपने दूसरे प्रोमोज देखे, मतलब जो मैंने देखे, मेरा प्रोमो शूट करने दीजिए परसों, सो फिर हम उसके बारे में भी बात करेंगे. ठीक है, हम आ रहे हैं प्रोमो शूट पे आपके, लाइक डेफिनेटली आ जाइए. Thank you so much and thank all the you. Best. Thank you, sir. Thank you. Thank you, dear. सर सवाल जहाँ से भी है देखना सामने आ. ठीक है रवि जी, स्वागत आपका. बड़ी अच्छा रेड कारपेट और सोनू जी के साथ काफ़ी आपने गहमा गहमी दिखाई आज. अब हम लोग पुराने यार हैं, पुराने मित्र हैं, और जीरो टू हीरो की कहानी है सोनू भाई की. सोनू बहुत ही मेहनत करके यहाँ पहुँचे, वो हिंदी रहा, तेलुगू रहा, मणिरत्नम सर की फिल्म रही, नाव प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये बड़ी खुशी की बात है. क्योंकि मैं भी अपनी फिल्में प्रोड्यूस करता हूँ, उसमें एक्ट भी करता हूँ, तो मुझे पता है कि प्रोड्यूसर का कितना कुछ लाइफ लग जाता है. सो दिल से शुभकामनाएं, भगवान करे, ईश्वर करे इनकी फिल्म बहुत अच्छे से चले और प्रभु उनको बहुत शक्ति दे, एंड ही अर्न मनी बैक एंड वापस ये फिल्में बनाए. सर पूरा पंजाबी फ्लेवर है फिल्म में, देखिए सपाजी भी गाना गा रहे हैं. या तू तक तू तक तू तिया, दैट्स वेरी पॉपुलर, और वो मुझे लगता है बहुत बड़ा यूएसपी होगा इस फिल्म का. ये सॉन्ग रिपीट वैल्यू भी देगा, और ये सॉन्ग की वजह से काफ़ी फिल्म गर्म भी हो चुकी है एंड क्लासी हुआ इस फिल्म. लेकिन असल सर के चेहरे से लग रहा है कितनी शिद्दत से गाया है. हाँ भाजी, नो नो नो, थैंक यू, ऑल द बेस्ट भाजी, ऑल द बेस्ट आपको. देश में देशभक्ति का माहौल बहुत परम सीमा पर है इस समय. जी जी जी, एकदम देश अभी एकदम अपना, हाँ देश अभी इस वक्त देश अभी एकदम फाइनली मूड में है अपने, और देश मुझे लगता है कि पहली बार इतने बड़े लेवल पर 125 करोड़ की आबादी को जगे हुए देखा, और सब में उबाल है, सब में देशभक्ति जाग रही है, और आई एम वेरी प्राउड कि मैं मेरा देश इस वक्त एकदम अद्भुत मूड में है, और इतने अद्भुत मूड में मैंने अपने देश को कभी देखा ना सोचा था. अलग अलग प्रतिक्रिया, अलग अलग तरह से कुछ लोग बटे हुए भी हैं इस चीज़ में, आपको ऐसा लगता है? मुझे मैं कुछ लोगों का नहीं जानता, मैं कट्टर अपने देश को प्रेम करता हूं, और मैं कट्टर भारतवासी हूं, और मुझे मैं ज़रा भी इस चीज़ में विश्वास नहीं करता कि मैं आपको चुम्मा दूं और आप मुझे लात मारें. तो वो भैया वो बात नहीं है, और बहुत टाइम से हम लोग यू नो, आप हम आपके बच्चों को पालें और आप हमारे बच्चों को मारें, आके हमारे जवानों को मारें, हमारे सिविलियंस को मारें. सो बहुत अभी दूध का दूध पानी का पानी हो गया. वही एक बात कहूँगा कि दूध मांगो तो खीर देंगे, दूध मांगो तो खीर देंगे, दूध मांगो तो खीर देंगे, और कश्मीर मांगो तो शीर देंगे. सो वेरी क्लियर नाउ. सर एक लास्ट, पर आपको लगता है सेना पे कभी भी किसी तरह से उंगली नहीं उठनी चाहिए, जैसे कई लोगों की ऐसी प्रतिक्रिया आई कि सेना पे उंगली उठ गई हमारी भारतीय सेना पे? हाँ नहीं, गलत है, सेना पे तो उंगली उठनी, आप सेना पे उंगली उठा रहे हैं मतलब आप अपने देश के प्रोटेक्टर को, जो हमको बचा रहे हैं, जो हमारी हमारी शक्ति हैं, जो हमारी रीढ़ की हड्डी हैं, आप उन पे शक करना मतलब सबसे बड़ा पाप है. वही लोग चला रहे हैं, मतलब उन्हीं की वजह से हम लोग अमन से सो रहे हैं, चैन से सो रहे हैं. बॉर्डर से अगर फोर्स हट जाए तो हम लोग भैया हम लोग तो सब भाग जाएंगे यहाँ से. अक्रॉस द बॉर्डर आर्टिस्ट रहने चाहिए कब तक, उन्हें कब तक नहीं? ये सिंटा ने हमारे अच्छा डिसीजन लिया, जब तक अमन नहीं होता, जब तक शांति नहीं होती, वहाँ पे भी फिल्मों को बैन कर दिया गया है, वहाँ के हमारे चैनल्स को बैन कर दिया गया, तो जब तक शांति नहीं होती यहाँ पर नहीं. और हमारे यहाँ बहुत अद्भुत अद्भुत कलाकार हैं, जो ऐसे ही पृथ्वी सिनेमा हॉल या नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा या एफटीआई के बाहर आपको देखेंगे, सब पड़े हुए हैं, और कितने बेरोजगारी से मर गए हैं भूख के मारे, और उनको काम नहीं, परिवार नहीं चला पा रहे हैं. तो अपने हमारे इतने सारे कलाकार हैं, उनको हमको काम देना है, और ये बात ये सीख लेनी चाहिए कि अब हम अपने कलाकारों को काम दें, जो जेन्युइन बहुत अच्छे कलाकार हैं. और मैं ऐसे कई दोस्तों को जानता हूँ जिनके पर आज खाने की तकलीफ़ है, खाने की परेशानी, तो हम क्यों बाहर से इतना बोझा ढोएं. बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छे विचार, तेज विचार आपके. थैंक यू सो मच, वंडरफुल इवनिंग. अरे प्रभु लीला रच दिए तो बहुत ऊंची. सर
सर शुरू हो जाए सर आप एक बार ताल ठोक दें सर एक बार आप जरा जोर से। हाँ जी हाँ जी लो जी ठीक है। बड़ी सुस्त जी इंटरव्यू नहीं होनी चाहिए। आप सब ने मेरा तुतक तुतक तुतियाँ गीत पहले भी बहुत सुना जी जी जी, लेकिन अभी जो फिर दोबारा उसमें फिर दोबारा सोनू जी ने जान पाई है इस फिल्म में टाइटल सॉन्ग मेरा है। और अच्छी बात सबसे बड़ी ये है कि जो टाइटल भी है वो भी मेरे सॉन्ग का है। और वो तुतक 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 तूतियाँ हई जमालो नी आ जा तूतों वाले कूते हई जमालो उत्थे गल्ला करिए मूँह ते हई जमालो नी तूतक 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 तूतियाँ। सोनू जी नू प्रभु देवा जी एंड तमन्ना जी सारिया नू बहुत बहुत गुड लक कि कल नू जिहड़ी फिल्म कल रिलीज़ हो रही है एंड बहुत हिट होवे बहुत परमात्मा कामयाबी बख्शे। सर एक जी आप मिल गए आज मैं पूछ रहा हूँ अक्रॉस द बॉर्डर जो हमारे आर्टिस्ट आते हैं हाँ जी कितने सहमत रहते हैं आप उनसे? लिखो मैं लंदन में रहता हूँ मेरा ज़्यादा इधर एक्सपीरियंस नहीं है एंड यह मैं यही चाहूँगा कि हमें हमारी मिलिट्री को भारत के मतलब देश को हमें बहुत ज़्यादा प्यार है। हम तो प्रदेश में रहते हैं और प्रदेश में रहते हुए जब बोलते हैं कि मैं ऑलवेज गाता हूँ बैंडिट लाइक बेकम इंग्लिश फिल्म आई सी उसमें मेरा गीत था वो जिंद माही जे चलो जिंद माही जे चलो परदेस कदी ना भुली ओए कदी ना भुली अपना देश बे अपनी बोली ओए। सो मैं सभी को यही कहूँगा कि बहुत अपने देश को प्यार करना चाहिए। थैंक यू ओके जी मेहरबानी।